You got the feeling.
Hello, 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 hello. Welcome back, guys. Guys and girls, welcome back. आ चुके हैं हम day two के साथ IMAX के हमारे weekly के पहला मैच हमारा weekend का रहेगा. Lens हमारे जुड़ चुके हैं इस मैच को खेलने के लिए. मेरा audio game का sound थोड़ा सा wait इतना करते हैं. माइक साउंड कितना ओके. आई होप आवाज मेरा सही आ रहा होगा. ग्लिच भी हुआ है. वेट अजीब सही ग्लिच है यार ये. डेटा 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 ओके. वीकेंडी का मैच हमारा यहाँ पे स्टार्ट होगा. प्लेयर्स हमारे उतरते हुए नजर आएंगे. प्लेन पाथ की बात करें, हमारा प्लेन पाथ जा रहा है दुब्रो मेस्टो से होते हुए वाइनरी वोल्नोवा और कैंतरा के तरफ खत्म होते हुए नजर आएगा. थोड़ा सा यहाँ पे प्लेयर्स के लिए दिक्कत हो सकता है जो नदन साइड पे ड्रॉप लेते हैं. लेट्स सी टीम्स अपने अपने ड्रॉप पे किस तरह से पहुंचते हैं, कहाँ कहाँ पे क्लैश होते हुए नजर आ सकता है. कल के दिन का परफॉर्मेंस हिमालयन कार्टल का बहुत ही बेहतर रहा था. अपने आप को टॉप स्पॉट में पाते हुए जरूर नजर आएंगे कल के दिन के बाद. सेकेंड प्लेस में शायद से नोवा, नोवा नहीं नोवा शायद थर्ड में थी. लेट्स सी किस तरह से कमबैक आता है बाकी टीम्स का भी. पॉइंट्स गैप ठीक ठाक पॉइंट्स गैप बनाए हुए तो है टीम्स ने. लेट्स सी कैसा रहता है. ओके टीम टू के प्लेयर्स उतरते हुए दिख रहे. बिला के अराउंड मुझे तीन टीम उतरते हुए दिख रही है. बड़ा ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट फाइट होने वाला है ओएमजी के लिए, टीम टू के प्लेयर्स के लिए. टॉप ने यहाँ पे बहुत ज्यादा डैमेज ऑलरेडी दे दिया है. थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मुझे. डाकू के ऊपर नॉक निकाला जा चुका है स्मोकी के द्वारा. टॉप यहाँ पे कोशिश करेंगे. स्पॉट किया गया, दो प्लेयर स्पॉटेड है. एक और प्लेयर को यहाँ पे नॉक किया जा चुका है. एक और प्लेयर मुझे नजर आएंगे चाकू लेके यहाँ पे बढ़ते हुए दिख रहे. क्या यहाँ पे चाकू मारने की कोशिश, चाकू मारने की गलती. क्या यहाँ पे टीम के लिए भारी पड़ेगी. एक दो नॉक यहाँ पे निकाल दिया है. एक की स्प्रे में शॉट गन यहाँ हाथ में नजर आएगा. पीपी पाइजन का शॉट थोड़ा सा यहाँ पे मिस करते हुए जरूर नजर आए. सेक्स पिस्तौल लेकिन क्या कनेक्शन अभी तक बनाया नहीं है. ओके एमजे को क्या पता ही नहीं चला साउंड किस साइड से आ रहा है. एक और प्लेयर को यहाँ पे नॉक किया जा चुका है सेक्स पिस्तौल के द्वारा. आखिरी प्लेयर आएंगे 1v4 यहाँ पे देखते ही देखते कर दिया गया है सेक्स पिस्तौल के द्वारा. ओएमजी ये गलती क्यों करना था उधर पे. मुझे वो चाकू दिखा जरूर है. क्या दोनों प्लेयर तो नहीं, एक प्लेयर चाकू लेके जरूर मूव किया था वहां पे. जरूरत नहीं था, अर्ली फाइट था, वेपन कुछ था नहीं. हेलमेट वेस्ट भी ज्यादा अच्छा था नहीं, वो फाइट वहां पे लेना जरूरी नहीं था उस तरह से. लेकिन सेक्स पिस्तौल यहाँ पे बहुत ही बढ़िया खेलते हुए नजर आए. वेट थोड़ा सा मुझे लग रहा है ऑडियो डिले आ रहा है गाइस. लेट मी रिकनेक्ट माय मोबाइल माय डिवाइस. चलो विला का फाइट अभी के लिए टीम टू अपने ऊपर दो मेंबर का जरूर यहाँ पे फिनिश सहा है. लेकिन थोड़ा मुश्किल रहेगा अब डिफेंड करना. टीम 25 के प्लेयर्स भी यहाँ पे F2F के प्लेयर्स भी पुश करते हुए नजर आ सकते हैं. माया जॉर्ड के पास एक ग्रेनेड मुझे नजर आ रहा है लेकिन कनेक्शन बनाना थोड़ा मुश्किल. बॉम्बे सेक्स पिस्तौल उनको जरूर पता होगा. आसपास इनके एक और टीम जरूर नजर आएगी. ओके कल के दिन की बात करें, एली थे थर्ड, फोर्थ में TFX थे सेकंड में. ओके TFX और नोवा का पॉइंट्स बराबर है. लेट्स सी हिमालयन कार्टल पहला मैच किस प्रकार खेलती है आज के दिन का. वीकेंड से शुरुआत हुआ है, थोड़ा सा स्लो पेस मैच रहता है हमारा. सर्कल की बात करें, ओके सर्कल यहाँ पे पूरा सेंट्रल वे बना है, पूरा मैप का सेंटर है ये. और सर्कल का डायमीटर कुछ ज्यादा ही छोटा नहीं है, ज्यादा ही छोटा है यार ये. कुछ ज्यादा नहीं, कुछ छोटा नहीं, कुछ ज्यादा ही छोटा है ये. हिमालयन कार्टल का भी ओके अर्ली फाइट है यहाँ पे नो फियर की टीम के साथ. टीम 14 हमारी फाइट लेते हुए नजर आएगी. यूनाइटेड के रिगी दूसरी तरफ सेक्सा के ऊपर नॉक निकाल रहे हैं. ये वाला फाइट ओके यहाँ पे हो रहा है. रिगी ने नॉक तो निकाला है, क्या कनेक्शन और बना पाएंगे. क्लोजिंग किया जाएगा क्या, डाइनो पार्क का एरिया का ये फाइट रहेगा. सेक्सा का रिवाइवल यहाँ से तो इम्पॉसिबल ही नजर आ रहा है. रिगी का पोजिशन जरूर रिवील है लेकिन जावेद के पास मुझे नहीं लगता यहाँ पे ग्रेनेड्स है. कनेक्शन बनाने की कोशिश रह सकती है. रिगी ओपन में आएंगे, स्पॉट किया गया लेकिन जावेद यहाँ पे बहुत सारे शॉट मिस करेंगे. ये शॉट यहाँ पे मिस नहीं किया जा सकता था. प्ले लेकिन दूसरी तरफ एक प्लेयर को नॉक कर चुके हैं. डीबीएसएन के हाथ में जरूर नजर आएगा. थोड़ा सा यहाँ पे कवर का इस्तेमाल करके कनेक्शन बनाया जा सकता है. एक और प्लेयर के ऊपर नॉक निकाला जाएगा. दो प्लेयर यहाँ पे यूनाइटेड के भी नॉक किए जा चुके हैं. इंस्टेंटली यहाँ पे फिनिश ऑफ भी करने की कोशिश रहेगी. जावेद यहाँ पे एक और कंफर्मेशन निकालते हुए नजर आएंगे. मैट्रिक्स और फ्लोकी अब अपने टीम से आखिरी दो प्लेयर रहेंगे जिनके ऊपर अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आया तो है. लेकिन जावेद ऊपर में निकले थे, उनका पोजीशन फ्लूकी का मैट्रिक्स का पोजीशन बिल्कुल भी पता नहीं था. नॉक निकाला गया. प्ले को भी यहाँ पे स्पॉट किया गया, प्ले को भी नॉक किया जा चुका है. लॉकडाउन अब अपनी टीम से आखिरी प्लेयर बचे हुए. सडनली सिचुएशन को वापस से टर्न अराउंड किया गया है. लॉकडाउन का सर्वाइवल भी अब थोड़ा मुश्किल लग रहा है. फ्लूकी
पोजीशन यहाँ पे रिवील जरूर है, लोकी का पोजीशन, ओके लॉकडाउन का पोजीशन भी रिवील जरूर है। का स्मोक यहाँ पे फैलाया गया था अपने आप को बचाने के लिए। 1v1 का फाइट बहुत ही बेहतर यहाँ पे लोकी निकालते हुए अपने लिए, लेकिन रिगी और रेस वहां पे खोना नहीं चाहिए था, हो गए दो प्लेयर। अब इस अर्ली फाइट का थोड़ा सा यहाँ पे खामियाजा भुगतना पड़ सकता है आगे के मैच में। सी के रिव्यू पे एक प्लेयर यहाँ पे टीम एट है शायद से, हाँ टीम एट के एक प्लेयर को नॉक करके इंस्टेंटली यहाँ पे फिनिश ऑफ किया जा चुका है एली के प्लेयर्स के द्वारा। एली भी यहाँ पे शुरुआत कर चुकी है। 7C के प्लेयर्स दूसरी तरफ शील्ड के प्लेयर्स के ऊपर हावी होते हुए दिख रहे हैं, और ये फाइट कहाँ हो रहा है? शील्ड के प्लेयर्स के साथ फाइट, ओके क्या कंप्लीटली वाइप आउट हो चुके हैं 7C? कहाँ है पता नहीं यार, ग्रेनेड यहाँ पे किया तो जा रहा है। ओके टीम एट के प्लेयर्स क्लोज इन कर चुके हैं। ट्रम्प एक ट्रम्प के हाथ में मुझे एक ग्रेनेड नजर आ रहा है, ग्रेनेड लेकिन दोनों साइड से बैक टू बैक किया जा रहा है, कनेक्शन अभी बनते हुए दिखेगा नहीं। ओके नहीं मुझे लगा था एलवी के ऊपर पुश हो चुका है, लेकिन नहीं थोड़ा दूर है प्लेयर्स, क्लोजिंग किया गया है, नहीं इतना जल्दी फाइट यहाँ पे होने वाला है नहीं। ओके 7C के प्लेयर्स यहाँ फाइट ले रहे हैं ना, 7C के प्लेयर्स ने सामने यहाँ पे टीम के, हाँ टीम सील टीम 19 को कम्प्लीटली वाइप आउट कर लिया। एक भी प्लेयर अपना खोते हुए नजर आएंगे नहीं 7C, और अर्ली यहाँ पे चार फिनिश भी अपने लिए कलेक्ट कर चुके हैं। डीएनडी के प्लेयर्स थोड़ा सा दूर है, गन शॉट्स यहाँ पे जरूर सुने होंगे, लेकिन फाइट लेना चाहेंगे या फिर नहीं देखने वाली बात रहेगी। दूसरी तरफ पौध वस्तु में भी हमारा फाइट होते हुए दिखेगा, टीम 21 के साथ टीम टीएसएम का। टीम 21 थी हमारी, याद नहीं आ रहा मुझे अब, टीम 21 थी हमारी, ओके ग्रैंड मास्टर की टीम, ग्रैंड मास्टर का यहाँ पे फाइट होते हुए नजर आएगा टीम टीएसएम के साथ। लेट्स सी कौन सा टीम रहेगा जो ये बैटल जीतेगा। मोटा दूसरी तरफ टॉप जी को फिनिश ऑफ करते हुए दिख रहे हैं, वहां पे भी थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ओके आईपैक्स ने डेल्टा जॉर्ड को नॉक कर लिया, टीएफएक्स से प्लेयर्स भी नॉक हो रहे हैं। टीएफएक्स के लिए ये शुरुआत थोड़ा मुश्किल हो सकता है, मुश्किल हो भरा मुझे शुरुआत लग तो रहा है, लेकिन फाइट कहाँ हो रहा है उनका, किधर हो रहा है? टीएफएक्स के प्लेयर्स क्या, टीएफएक्स के प्लेयर्स क्या वाइप आउट हो चुके हैं? टीम 12 ओके टीम 12 मुझे लगता है कंप्लीटली वाइप आउट हो चुके। टीम टीएफएक्स का शुरुआत आज के दिन बढ़िया हुआ नहीं है। अब पहला मैच यहाँ पे अर्ली एलिमिनेट हो चुके, पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी अब दूसरे दो मैच में रहेगा। पॉइंट थोड़ा सा फर्स्ट और सेकंड के बीच में थोड़ा पॉइंट का गैप जरूर है, उस पॉइंट को गैप को कवर करने के लिए थोड़ा मेहनत लगेगा यहाँ पे टीम के द्वारा, लेकिन लेट्स सी आगे के दो मैच में किस प्रकार खेलते हैं। आईबेस की प्लेयर्स यहाँ पे बढ़िया अभी के लिए तीन फिनिश निकाल के बैठे हुए, लेकिन सामने इनका फाइट होगा टीम 14 के प्लेयर्स के साथ। टीम 14 दिक्कत दे सकती है यहाँ पे, नो फियर की टीम हिमालयन कार्टल के साथ। ओके फाइट में एंगेज जरूर थे, लेकिन अब यहाँ पे फॉल बैक करना चाहते थे, लेकिन ओल्ड बॉय को यहाँ पे बर्लिन ब्लैक का, बर्लिन इज बैक का कुछ भी पोजीशन का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। इंस्टेंटली यहाँ पे नॉक किया गया, फिनिश भी मुझे लगता है इजिली सिक्योर हो जाएंगे, ज्यादा दिक्कत यहाँ पे आएगी नहीं, रिवाइवल देना बहुत ज्यादा मुश्किल। 7C के प्लेयर्स दूसरी तरफ बबलू ओपी को नॉक कर रहे हैं। टीम 14 को थोड़ा सा यहाँ पे संभल के खेलना पड़ेगा, हिमालयन कार्टल के प्लेयर्स कभी भी यहाँ पे अटैक कर सकते हैं, उनको भी यहाँ पे गन शॉट्स तो जरूर आ रहे होंगे, शॉट्स उनके ऊपर भी लिए जा सकते हैं। वांग वाइटी नजर आ रहे हैं एक हाई रिज में, मुझे चिंपिंग बेबी के ऊपर शॉट्स लिए गए, बहुत ज्यादा डैमेज दिया गया था, नॉक निकाल लेते थोड़ा मुश्किल पाता फिर टीम 14 के लिए भी। टीम 10 ओल्ड बॉय रिवाइव देने के लिए पहुंच चुके हैं, ओल्ड बॉय को रिवाइव देने के लिए पहुंच चुके हैं यहाँ पे एके ओपी। दूसरी तरफ बर्लिन इज बैक के ऊपर शॉट लिए गए थे, उनको सप्रेस किया गया है, उनको इतना इजिली यहाँ पे फिनिश करने देंगे नहीं। अपने टीममेट को स्मोक वहाँ पे फैलाया गया है, स्मोक के अराउंड अगर रैंडम से शॉट भी लग गया शायद से यहाँ पे नॉक निकाला जा सकता है, लेकिन शॉट अभी भी लिया जा नहीं रहा बैक के द्वारा, और आराम से रिवाइवल भी दी। ओके बर्लिन बैक ने स्पॉट नहीं किया गया, ओके स्पॉट किया गया, शॉट लिया गया, लेकिन लोकी लोकी यहाँ पे बहुत ही बढ़िया कवर फायर प्रोवाइड कर रहे थे अपने टीममेट को, नॉक निकाला है। अब यहाँ पे बर्लिन को रिवाइवल देना इम्पॉसिबल जैसा ही लग रहा है, यहाँ से तो इम्पॉसिबल ही लग रहा है, या तो व्हीकल लेके पूरा क्रॉस करना पड़ेगा। वांग यहाँ पे व्हीकल लेके घूमते हुए दिख तो रहे, लेकिन क्या रिवाइवल दे पाएंगे अपने टीममेट को? पूरा यहाँ पे घूम के जाएंगे, पूरा अराउंड द ब्रिज यहाँ पे सर्कल अराउंड द ब्रिज घूम के अपने टीममेट को रिवाइव देने के लिए पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं, और मुझे लगता है इस ये अच्छा मूव रहेगा, वहाँ पे रिवाइवल भी दे दिया जाएगा, इजिली पहुंचते हुए भी नजर आएंगे, ज्यादा दिक्कत यहाँ पे आते हुए मुझे दिख तो नहीं रही है, लेकिन थोड़ा सा संभल के यहाँ करना पड़ सकता है। वापस से कनेक्शन बनाया गया था, बर्लिन ओल्ड बॉय के ऊपर वापस से नॉक निकालेंगे दूसरी तरफ,
वाइफ्स के द्वारा ओल्ड बॉय का यहाँ पे फिनिश कंफर्म किया जा चुका है, लेकिन हिमालयन कार्टल पहुंच चुकी है थर्ड पार्टी करने के लिए। हिमालयन कार्टल को पता है यहाँ पे फाइट हो रहा था, लेफ्ट साइड पे अगर व्हीकल स्पॉट होता है तो स्कार यहाँ पे दो प्लेयर के ऊपर नॉक निकाल सकते हैं। सामने आईबीएस के प्लेयर को स्पॉट करने की कोशिश कर रहे हैं, व्हीकल का साउंड जरूर आएगा। बर्लिन और वांग के वाईटी का पोजिशन भी अब रिवील है, यहाँ से व्हीकल लेके निकालना चाहते हैं लेकिन मुश्किल हो सकता है। लेकिन टीम 14 के बाकी प्लेयर्स कवर फायर प्रोवाइड कर रहे हैं, उन्हें भी पता चला है सामने पीछे यहाँ पे हिमालयन कार्टल के प्लेयर्स भी पहुंच चुके हैं, कवर फायर देना जरूरी। बर्लिन अभी के लिए गए हैं नहीं, इनके टीममेट अभी भी यहाँ पे ओके सरप्राइज अटैक कर सकते हैं। हिमालयन कार्टल के प्लेयर्स यहाँ पे नॉक करेंगे टिमपिंग को। थ्री वे बैटल यहाँ पे चल रहा है, लेट्स सी कौन सा टीम रहेगा जो ये फाइट जीतेगा। ब्रावो दूर से यहाँ पे चिमपिंग बेबी का फिनिश यहाँ पे कंफर्म कर चुके हैं। यूनाइटेड लद्दाख इक्वल्स टू फ्री किल, यूनाइटेड लद्दाख लग तो नहीं रहा है ब्रो अभी के लिए, अभी के लिए तो 4 किल लेकर बैठे हुए। ओके चेस्पा ने यहाँ पे स्पॉट कर रहे हैं लूकी प्लेस, दूसरी तरफ टीम 14 को दिक्कत दिया जा रहा है। अब दो प्लेयर यहाँ पे हो चुके हैं, नॉट योर बॉय कटापक को नॉक कर रहे हैं। ये वाला फाइट कहाँ हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है शायद से। टीएसएम के प्लेयर्स यहाँ पे पाब्लो को नॉक करेंगे, स्पल्ला को भी यहाँ पे नॉक किया जा चुका है। मैवरिक के दो प्लेयर यहाँ पे नॉक पड़े हुए, इनका रिवाइवल थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मुझे, क्या यहाँ पे रिवाइवल दिया जाएगा। जैफ एक मॉली यहाँ पे फेंकते हुए नजर तो आ रहे हैं, एनएम को भी नॉक किया जा चुका है टीएसएम के डेल्टा के द्वारा। टीम 21 भी दिक्कत में आ रही है, ग्रैंड मास्टर की टीम थोड़ा संभल के उस फाइट को लेना पड़ेगा। ड्रेक्स को भी उसे स्पॉट किया जा रहा है, जैफ भी यहाँ पे क्लोज में फाइट लेते हुए नजर आ सकते हैं। दो प्लेयर यहाँ पे नॉक किए गए थे, फिनिश यहाँ पे इजिली सिक्योर भी किया जाएगा लग रहा है मुझे। एनएम का फिनिश दूसरी तरफ डेल्टा सिक्योर कर चुके हैं, हिप्पो को नॉक किया जा रहा है। अब यहाँ पे खान को भी नॉक करेंगे, रेक्स अब अपने टीम से आखिरी प्लेयर बचे हुए। रेक्स मूव करके अपने टीममेट को बचाना जरूर चाहते हैं लेकिन रिवाइवल देना बहुत ज्यादा मुश्किल। क्लोजन यहाँ पे आते हुए दिखेगा, स्लैमिन यहाँ पे किया जा सकता है, क्राफ्टन को शॉट लिए जाएंगे लेकिन कनेक्शन बलते हुए दिखेगा नहीं। जैफ के साथ यहाँ पे 1v1 लेना पड़ सकता है, वॉल के बाहर का ये फाइट रहेगा, थोड़ा सा संभल के यहाँ पे लेना पड़ेगा फाइट। T3 का यहाँ पे कनेक्शन बनाना चाहते हैं रेक्स लेकिन बहुत ज्यादा मुश्किल इस फाइट को जीतना, फिनिश ऑफ कर दिए गए। एनी के प्लेयर्स की बात करें, ओके एनी जाला टीएसएम के प्लेयर्स यहाँ पे शॉट ले रहे, किसी ने यहाँ पे कार 98 चलाया और फिनिश ऑफ किया है, बोन रेडी को फिनिश ऑफ किया जा चुका है। दूसरी तरफ 7C के प्लेयर्स बैक टू बैक फाइट ले रहे हैं। ओके ये तो INDI की टीम है, 7C कहाँ है मेरी 7C। पहले सर्कल का शिफ्ट भी आ तो रहा है अभी, लेकिन 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 INDI यहाँ 7C क्या है, 7C के प्लेयर्स 7C के ओके 5 फिनिश यहाँ पे ऑलरेडी निकाला जा चुका है। किफायत नारू को जेस्टर नजर आएंगे, टीम 20 के ऊपर हावी होते 22 के ऊपर हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। एल दोरादो क्या यहाँ से निकल पाएंगे, OMG आलम भैया OMG फिनिश ऑफ हो चुके हैं। बेला में अर्ली फाइट हुआ था उनका, फिनिश ऑफ हो चुके हैं। गोकू टीम ओके हेल्प ब्रो को ढूंढने की कोशिश रहेगी, बाकी दूसरी तरफ जो ये तीन प्लेयर दो प्लेयर बचे हुए उनका यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। हेल्प ब्रो थोड़ा सा यहाँ पे अपने टीममेट के पास जाना चाहते हैं, उनमें नार के लिए उनके लिए बेहतर रहेगा थोड़ा सा यहाँ पे संभल के अगर कवर में जा पाते तो बेहतर रहता, लेकिन दूसरी साइड से जेस्टर ने स्पॉट कर लिया, जेस्टर ने नॉक भी निकाल लिया है। टीम 22 अब दिक्कत में आएगी, दो ही प्लेयर बचे हुए, 4v2 का सिचुएशन रहेगा। क्रेटोस ओके टारगेट्स नजर आएंगे, टारगेट्स को क्लच करते हुए मैंने देखा है, एक ग्रेनेड यहाँ पे फेंकते हुए नजर आए, डैमेज देंगे, एक प्लेयर को नॉक किया जा चुका है, दूसरे प्लेयर के ऊपर भी चढ़ते हुए नजर आएंगे, दूसरे प्लेयर को भी नॉक दिया गया लेकिन पीछे से आता है DBS का चमाटा, नॉक किया जाएगा यहाँ पे। अब एस अपने टीम से आखिरी प्लेयर बचे हुए, फर्स्ट एड अगर इस्तेमाल कर लेते बेहतर रहता लेकिन एस अपने ही मौली में जल के मर गए यहाँ पे। क्लच में भी यहाँ पे पॉसिबल था लेकिन गोकू गोकू को शायद से पता नहीं चला, शायद मे भी अब पता चल चुका होगा फिनिश ऑफ हो चुके हैं या फिर नहीं, लेकिन यहाँ पे टीम 7C के प्लेयर्स और 3 फिनिश यहाँ पे लेकर जाएंगे और टोटल यहाँ पे 7 फिनिश अपनी टीम के लिए निकाल चुके हैं ऑलरेडी, और सर्कल के अंदर इजिली एंट्री भी ले लेंगे, ज्यादा दिक्कत वहाँ पे आते हुए दिखेगी नहीं। ओके गोकू को यहाँ पे पता नहीं चला, अभी भी प्लेयर फिनिश ऑफ हो चुके हैं बोल के अपने मॉली पे खत्म होते हुए नजर आए थे। इस फाइट से हम थोड़ा दूर निकलते हैं और फाइट हिमालयन कार्टल का अभी भी यहाँ पे 3 वे बैटल चल रहा है। टीम 12 के प्लेयर्स यहाँ पहुंचे थे, उनको फिनिश ऑफ किया गया था। अब स्कार हिमालयन कार्टल ने एक फिनिश यहाँ से जरूर निकाला था अपने लिए, फॉल बैक करते हुए दिख रहे टीम 14 के प्लेयर्स। ओके टीम 14 के नो फियर वाइब्स ही बचे हुए अपने टीम से आखिरी प्लेयर, वो भी कैसल के अराउंड पहुंच चुके हैं। सर्कल का एक शिफ्ट यहाँ पे, सर्कल का शिफ्ट अब यहाँ पे आया तो कैसल के हल्के से साइड पे ही है लेकिन मुझे नहीं लगता यहाँ पे ज्यादा देर सर्कल रहेगा। अगला एक हार्डशिप, अगला हार्डशिप तो नहीं लेकिन
एक सेंट्रल शिफ्ट ही रहेगा, उसके बाद देखते हैं क्या। नहीं, तीसरा सर्कल बन चुका है ना, हार्ड शिफ्ट आएगा फिर, फोर्थ सर्कल तो हार्ड शिफ्ट ही आएगा। जाला नॉक पड़े हुए, चार फिनिश टीएसएम में भी निकाला है। जाला के ऊपर नॉक कहाँ से दिया जा रहा है, कि डीएनडी के प्लेयर से शायद से जो नॉक निकाल रहे हैं उनका फाइट होने वाला है। ओके, 2v4 का सिचुएशन रहेगा अभी के ऊपर, लेकिन नॉक निकाला जा चुका है। दूर से आईएनडी के प्लेयर्स नॉक निकाल रहे हैं, थर्ड पार्टी यहाँ पे किया जाएगा। टीम सिक्स को थोड़ा सा संभल के बैठना पड़ेगा, अभी का सर्वाइवल बहुत ज्यादा मुश्किल। जैनुल यहाँ पे कंफर्मेशन निकाल चुके हैं, टीम सिक्स के प्लेयर्स अब वहां से उस फाइट को अवॉइड करना पड़ेगा। थोड़ा दूर यहाँ पे निकलना पड़ सकता है। जैक दूसरी तरफ लेजेंड के द्वारा नॉक किए गए, इंस्टेंटली वहां पे फिनिश ऑफ भी किया जा चुका है। भाई ओएमजी दिखा दो, ओएमजी फिनिश ऑफ हो गई ब्रो, ओएमजी फिनिश ऑफ हो चुकी है, स्टार्टिंग में फिनिश ऑफ हो गई थी टीएसएम। ओके, अब यहाँ पे 14 टीम बची हुई है। पहले यहाँ पे बहुत सारे फाइट हो चुके हैं हमारे अर्ली अर्ली दो तीन सर्कल में बहुत सारे फाइट हो चुके हैं। अब 14 टीम सर्वाइव कर रही है, 45 प्लेयर्स बचे हुए इस मैच में। लेट्स सी कौन सा टीम रहेगा जो चिकन निकाल सकता है। हिमालयन कार्डल के प्लेयर्स अभी भी आराम से सर्कल के अंदर बैठे हुए, अभी भी उनके पास मौका है अपने लिए इस मैच को बेहतर बनाने का, और पॉइंट्स यहाँ पे कलेक्ट किए जा सकते हैं। यमराज ग्रेनेड फेंक रहे हैं किसके ऊपर, लेकिन लेजेंड के ऊपर ही ग्रेनेड फेंक रहे, क्या कर रहे हैं मुझे ये समझ आया नहीं, या फिर क्रॉस चेक करना चाहते थे। ओके, सामने शाहिद को स्पॉट, ओके शाहिद दूर है ना, एक सेकंड के लिए मुझे यहाँ पे क्लोज में है। टीम थ्री के प्लेयर्स नोवा, ओके नोवा ने अपना एक प्लेयर पाब्लो को नॉक होते मैंने देखा जरूर था, लेकिन रिवाइवल दिया गया है। अब यहाँ पे खेलते हुए भी नजर आएंगे और मुझे लगता है अभी अर्ली स्टेज में फाइट लेना चाहेंगे। कल का एक ही मैच ज्यादा अच्छा गया था, उसके बाद बाकी दो पॉइंट मैच में इतने ज्यादा पॉइंट निकाल नहीं पाए। डिसेंट पॉइंट निकाले थे लेकिन उससे ज्यादा आया नहीं था। एक और प्लेयर यहाँ पे फिनिश ऑफ किया जा चुका है, ओके सास्के एली के ऊपर यहाँ पे हावी होते हुए देखेंगे। एली के प्लेयर सीधा यहाँ पे स्लैम इन किया है आईबेस के ऊपर। लूकी प्लेयर्स अपने टीम से आखिरी प्लेयर बचे हुए, उनके ऊपर दूर से शॉट लिया जाएगा, लेकिन लूकी प्लेयर्स आएंगे और यहाँ पे क्लच करके चले जाएंगे एली के ऊपर। एली के टीम भी यहाँ पे एलिमिनेट हो चुके हैं। सात टीम यहाँ पे, सात फिनिश यहाँ पे ऑलरेडी निकाल चुकी है टीम। टीम एट दिखाने के लिए बोल रहे हो ना, एट है, ओके टीम एट थोड़ा सा दूर है सर्कल के अंदर, अब उन्हें मूव करना है। टीम एट हमारी कॉम की टीम है शायद से, मुझे जहाँ तक याद है, हाँ टीम एट कॉम ही है। एली का भी यहाँ पे एलिमिनेशन आ चुका है। अब आईबेक से आखिरी प्लेयर बचे हुए लूकी, लेती कितने देर तक यहाँ पे सर्वाइव कर पाते, सर्कल के अंदर मूव करना पड़ेगा नेक्स्ट सर्कल में। 42 सेकेंड, अगला सर्कल भी हमारा क्लोज इन करते हुए दिखेगा। टीम एट की बात करें, ओके तीन प्लेयर सर्वाइव करे, स्टैनी को खोया जरूर था, लेकिन अब तीन प्लेयर के साथ बचे जरूर है, उनको थोड़ा संभल के खेलना पड़ेगा। यूनाइटेड की बात करें, उनके भी दो ही प्लेयर सर्वाइव कर रहे, सर्कल के अंदर बढ़ते हुए दिखेंगे मुझे। 7C के प्लेयर जहाँ पे जा रहे हैं सीधा इनका फाइट होते हुए नजर आ सकता है। दो प्लेयर यहाँ पे बैठे हुए हैं टीम 17 के, ग्रेनेड यहाँ पे कुक किया जा रहा है, आते ही यहाँ पे फाइट इनिशिएट किया जा चुका है। डायरेक्ट यहाँ पे सेंटर सेंटर की तरफ स्लैम इन किया गया था, लेकिन 2v4 का सिचुएशन रहेगा, इजिली यहाँ पे इस सिचुएशन को हैंडल किया जा सकता है। दूसरी तरफ आईजीएल के पास एक यहाँ पे व्यू जरूर था, नॉक निकाला जा सकता था, लेकिन नहीं, कल्देन को नॉक किया जा चुका है ऑलरेडी। अब अपने टीम से आखिरी प्लेयर बचे हुए कनेक्शन यहाँ पे बनाना चाहते हैं, लेकिन नॉक निकाला जा चुका है। नारुतो को यहाँ पे फिनिश भी करना चाहते थे, लेकिन कवर फायर सही टाइम पे आया, फिनिश ऑफ यहाँ पे निकाला जा चुका है। टीम 25 के प्लेयर क्या स्लैमिंग देना चाहते हैं, शॉर्ट्स यहाँ पे लिए जरूर गए थे, विकल में बैठते हुए दिखेंगे तो नहीं, शॉर्ट्स यहाँ पे दूर से ही लेना चाहते हैं, वो भी नहीं चाहेंगे सेंटर का एरिया इतना जल्दी अभी के लिए इनसे छूटे। टीम कॉम दिखाओ, टीम कॉम ही दिखा रहा था भैया जी, टीम कॉम कहाँ गई, टीम कॉम यहाँ है ना, टीम कॉम का लाइनअप ये है ना हमारे पास, टीम कॉम का टीम नंबर 7 वाला लाइनअप, 7 वाला लाइनअप, ओके टीम 7 वाला लाइनअप ऑलरेडी फिनिश ऑफ हो चुका है। टीम कॉम रोटेट कर रही है, रोटेट करके अपने लिए एक जगह भी यहाँ पे ढूंढ तो चुकी है, लेकिन इस जगह पे कितने देर तक खेला जाएगा थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। यहाँ पे नियो को सामने डीएनडी के स्पॉट किया है, शॉट्स वो भी ले सकते हैं इनके ऊपर, लेकिन थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा ये खतरों वाला जगह लग रहा है। लेट्स सी किस तरह से अपने आप को यहाँ पे संभाल के रख पाते टीम कॉम के प्लेयर्स। टीम 20 की बात करें, टीम 20 से आईएनडी के प्लेयर्स यहाँ पे टीएनडी के प्लेयर्स के ऊपर शॉट लेते हुए नजर आ सकते हैं। अभी के लिए शॉट यहाँ पे गन शॉट बैक एंड फोर्थ होते हुए नजर आ रहे हैं, कोई भी यहाँ पे खासा स्लैम होते हुए नजर आएगा नहीं, हर साइड से गन शॉट्स लिए जा रहे हैं। मालन काटल के प्लेयर्स 2v2 के स्प्लिट में बैठे हुए, लोकी प्लेयर्स अभी भी शायद से सर्वाइव कर रहे हैं, अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं। मालन काटल के 2v2 का स्प्लिट है अपने टीममेट के पास, चाहते हुए भी नजर आएंगे, लेकिन शाहिद के ऊपर नॉक निकाला गया है F2F के काम सारा के द्वारा, और इंस्टेंटली फिनिश ऑफ भी किया गया है टीम। अब क्राफ्टन आखिरी प्लेयर बचे हुए, वो भी बहुत ज्यादा दूर है, इनका भी सर्वाइवल थोड़ा मुश्किल लगेगा, और सर्कल का शिफ्ट आया तो है, और पूरा का पूरा सर्कल का शिफ्ट यहाँ पे टीम नंबर 8 को सेंटर देते हुए बनेगा, लेकिन इस एरिया को डिफेंड करना बहुत ज्यादा मुश्किल। व्हीकल का कवर यहाँ पे बनाया तो जा रहा है, लेकिन 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 क्या सर्वाइव कर पाएंगे दोनों व्हीकल। ओके कवर पे यहाँ पे रखा जरूर है व्हीकल्स को, खुद को भी यहाँ पे कवर में रख के अगर
चुपचाप बैठे रहते बिना यहाँ पे किसी को तंग किए, तो मुझे लगता है आराम से टॉप 3 टॉप 4 निकाला जा सकता है। थोड़ा सा वेट करके, ज्यादा यहाँ पे ऊपर में ना आके फाइट लिया जा सकता है। टीएसएम के डेल्टा के ऊपर नॉक निकाला जाएगा वांग के द्वारा। डेल्टा के प्लेस अब क्लोज इन कर चुके हैं, टीएसएम के प्लेस एजेस पे बैठे हुए हैं, और फाइट मुझे लगता है यहाँ पे ज्यादा होगा। क्लोज का बैटल यहाँ पे हो सकता है सदर्न साइड पे, लेकिन सदर्न साइड पे ज्यादा टीम नजर आ तो नहीं रही है। यूनाइटेड के प्लेयर्स भी दो ही प्लेयर है एज पे आके रुक तो चुके हैं कि नहीं मूव कर रहे हैं। अपने लिए एक टेंट यहाँ पे खोज भी लिया, एक शैक जैसा यहाँ पे एरिया है, शैक के अराउंड यहाँ पे खेलते हुए देख सकते हैं। सर्वाइव यहाँ पे किया जा सकता है, अभी भी यहाँ पे सर्वाइव किया जा सकता है। ज्यादा टीम है नहीं, 12 ही टीम सर्वाइव कर रही है, तो सर्कल के अंदर एंट्री अपने लिए बनाते हुए नजर आ सकते हैं। वाइव्स जहाँ से मूव कर रहे हैं वहां से अब एंट्री थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बहुत ज्यादा घूम के इनको ऊपर चढ़ना पड़ेगा, उतने देर तक सर्कल भी क्लोजिंग करते हुए दिखेगा, तो इसलिए थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे इनका सर्वाइवल इस मैच में। यहाँ पे क्राफ्टन बीकर लेके पहुंचे जरूर है, कवर बनाते हुए भी रखेंगे, लेकिन कितना आगे जा पाएंगे। स्टेज 5 का सर्कल है, स्टेज 6 का सर्कल हमारा इसके बाद थोड़ी देर में बनते हुए नजर आएगा, 1 मिनट का समय रहेगा, उसके बाद क्राफ्टन को भी मूव करना पड़ सकता है। टीम 25 के प्लेयर्स की बात करें, एजेस पे बैठे हुए हिमालयन कार्टेल के प्लेयर अराउंड द सर्कल यहाँ पे मूव करते हुए देखेंगे लेफ्ट साइड से। लेट्स सी वेस्टर्न शोर से कहाँ तक जा पाते हैं। लेजेंड के ऊपर नॉक निकाला गया है अलादीन के द्वारा। टीम आईएनडी क्या पुश करना चाहती है, डैनी मूव तो कर रहे वीकर लेकर, क्लोजिंग भी यहाँ पे किया तो जा रहा है धीरे धीरे। यहाँ पे टीम 13 के क्लोज में पहुंच तो चुके हैं, लेकिन अपने लिए एक अच्छा एरिया भी यहाँ पे लेकर बैठे हुए। सर्कल का एरिया ज्यादा बड़ा एरिया कवर करना जरूर चाहेंगे। सर्कल लेफ्ट नेक्स्ट शिफ्ट के साथ इन्हें भी मूव करना पड़ेगा आगे। सर्कल मुझे नहीं लगता ऊपर नदन साइड का एक शिफ्ट लेने वाला है। लेट्स सी कौन कौन से टीम को फेवर करता है। हिमालयन कार्टल के प्लेयर्स थोड़ा सा यहाँ पे वाइड स्प्रेड में बैठे हुए धीरे धीरे सर्कल के अंदर एंट्री करेंगे, और बहुत बड़ा एरिया यहाँ पे अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, लेकिन एक हार्ड शिफ्ट यहाँ पे डिसाइड करेगा कौन से टीम को मूव करना पड़ सकता है। नो फियर लेकिन पहुंच चुके हैं भाई, नो फियर पहुंच चुके हैं, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था। टीएसएम को यहाँ पे अवॉइड करें बेहतर रहेगा इनके लिए, अगर स्पॉट किया गया तो यहाँ पे फिनिश ऑफ भी किया जा सकता है। टीएसएम के प्लेयर जोन का अभी भी डैमेज ले रहे, इतना डिले करना यहाँ पे इनके लिए दिक्कत भरा हो सकता है। एजेस पे अभी भी है, लेकिन बॉल पे सर्कल है, अभी भी यहाँ पे रहेंगे। ओके सर्कल का शिफ्ट यहाँ पे एक सेंट्रली शिफ्ट आया, टीम 8 अभी भी यहाँ पे सर्कल को फेवर करते हुए देखेंगे। हिमालयन कार्टल के प्लेयर्स को फाइनली यहाँ पे वेस्टर्न छोर पे फाइट लेना पड़ेगा। सदर्न साइड से एंट्री थोड़ा मुश्किल हो सकता है, टीएसएम के प्लेयर्स नो फियर वाइज को भी फिनिश ऑफ कर देंगे। टीम नोवा अब यहाँ पे एंट्री रोकते हुए नजर आ सकती है टीम टीएसएम की। टीम टीएसएम को थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। जाला ओपन में आते हुए नजर आए हल्के देर के लिए, लेकिन फिनिश ऑफ किया गया हिमालयन कार्टल के। ओके स्कार को यहाँ पे नॉक किया जा चुका है, स्कार को यहाँ पे इंस्टेंटली फिनिश ऑफ किया जा चुका है। यूनाइटेड के ऊपर एक नॉक निकाला गया था, क्या यहाँ पे पुशिन भी आएगा हिमालयन कार्टल के प्लेस के द्वारा। व्हीकल लेके मूव करते हुए मुझे दिख रहे हैं चेस्पा, चेस्पा यहाँ पे थोड़ा सा नदन साइड पे जाते हुए दिखे। यूनाइटेड के ऊपर अगर स्लैम इन कर देते तो 2 प्लेयर यहाँ पे इंस्टेंटली फिनिश ऑफ भी किया जा सकता था। एस्कोबार के ऊपर भी नॉक निकाला जा चुका है, चेस्पा यहाँ पे अपने टीममेट को एक एक करके होते हुए नजर आ रहे हैं। अब आखिरी 2 प्लेयर बचे हुए हिमालयन कार्टल के, टॉप 11 में आए तो है, लेकिन यहाँ से और कितने पॉइंट लेकर जा पाएंगे। वांग दूसरी तरफ इतने देर से चमाटे पे चमाटा लगाए जा रहे हैं, टीएसएम के एक और प्लेयर को फिनिश ऑफ किया जा चुका है। दूसरी तरफ क्लोज में बैटल, कहाँ का बैटल है ये, 7C के प्लेयर्स जीजी को नॉक कर रहे हैं, 7C के प्लेयर्स यहाँ पे बैटल ले रहे थे। ओके टीम 17 के साथ फाइट हुआ, अलादीन को नॉक किया जा चुका है, गोकू दूसरी तरफ, 9 फिनिश यहाँ पे टीम के ऑलरेडी आ चुके हैं। आईएनडी के साथ फाइट हो रहा है, वेट वेट लैग लैग लैग, इस फाइट में चलते हैं। टीम 13 के प्लेयर सर्कल के अंदर एंट्री बनाना चाहते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा डैमेज इनके ऊपर भी दिया जा रहा है। लोकी अपने टीम जो आखिरी प्लेयर सर्वाइव कर रहे हैं अभी भी वहां पे डैमेज दे रहे हैं, लोकी कितने देर तक सर्वाइव कर पाएंगे लेट्स सी, लेकिन नहीं, जर्ट ट्रम्प यहाँ पे स्पॉट करेंगे, फिनिश ऑफ कर चुके हैं। टीएलसी स्टैंडिंग को यहाँ पे स्टार्टिंग में खोया था, 3 प्लेयर अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं और हर साइड पे शॉट लेते हुए नजर आएंगे। टीम 8 के प्लेयर हिमालयन कार्टल के प्लेयर दूसरी तरफ यूनाइटेड के प्लेयर्स के ऊपर नॉक निकाल चुके हैं, स्लैमिन यहाँ पे किया जा चुका है, चेस्पा यहाँ पे डीबीएस लेके क्लोज इन करते हुए भी नजर आ सकते हैं। यहाँ पे बैक टू बैक स्मोक और ग्रेनेड फेंका तो जा रहा है, लेकिन कनेक्शन बनाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है स्मोक के अराउंड। दरवाजा के, दरवाजा खुला नहीं है, ये खुला है, मेरे को नहीं कर रहा है। कनेक्शन बनाना चाहते हैं चेस्पा, ये फाइट जीते तो अपने लिए सर्कल का एंट्री भी बना चुके हैं। इसके बाद ग्रेनेड आएगा, सामने एक प्लेयर के ऊपर नॉक निकाला गया था, लेकिन फिनिश ऑफ इंस्टेंटली किया जा चुका है। आईएनडी के प्लेयर दूसरी तरफ डैमेज दे रहे हैं, यहाँ पे टीम 13 के प्लेयर के ऊपर लेजेंड को भी नॉक किया जा चुका है। सर्कल यहाँ पे जैसे जैसे क्लोजिंग हो रहा है, मल्टीपल फाइट्स एक साथ एंगेज हो रहे हैं, और टीम 13 के प्लेयर्स मुझे यहाँ पे फिनिश ऑफ होते हुए नजर आ रहे हैं एक एक करके। 7C के प्लेयर्स की बात करें, 4 प्लेयर अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं, टीम 25 के ऊपर ऑलरेडी हावी हो चुके हैं। टीम 3 को सर्कल के अंदर थोड़ा और आगे आना पड़ेगा। एक प्लेयर मुझे क्राफ्टन अभी भी सर्कल के बाहर नजर तो आ रहे हैं, कितने देर तक सर्वाइव कर पाएंगे क्राफ्टन को, क्या स्पॉट नहीं किया जेस्टर ने अभी तक।
जेस्टर ने अभी तक स्पॉट नहीं किया, स्मोक करके धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश रहेगी। ओके नारुतो ने स्पॉट किया, फाइनली यहाँ पे फिनिश ऑफ भी कर दिया जाएगा। डैनी दूसरी तरफ नॉक किए जा चुके हैं, टीम 13 के प्लेयर्स सर्कल के बाहर यहाँ पे फिनिश ऑफ होते हुए देख सकते हैं। आईएनटी की डैनी को भी फिनिश ऑफ किया जाएगा। रोलेक्स सर्कल के बाहर ही यहाँ पे फंसे हुए हैं, इनका भी मूवमेंट थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मुझे। ब्रावो दूसरी तरफ यहाँ पे, ओके आखिरी प्लेयर बचे हुए अपने टीम से, रिवाइवल तो अपने टीममेट को दे देंगे, लेकिन सर्कल का शिफ्ट अभी भी इनके पास है। 7C के लिए ये बहुत बढ़िया मैच जाने वाला है, सर्कल का पूरा शिफ्ट इनके ऊपर आ चुका है। ऑलरेडी यहाँ पे 12 फिनिश निकाल चुके हैं। TND के जजील जोन के बाहर फिनिश ऑफ हो चुके हैं। वांग यहाँ पे एक और स्नाइपर शॉट चिपकाएंगे। वांग यहाँ पे क्या ही खेल रहे हैं भाई, कब से मैं देख रहा हूँ स्नाइपर शॉट चिपकाए जा रहे हैं। जर्ट रम को यहाँ पे स्पॉट किया, एस्ताबाई के ऊपर नॉक निकाला जा चुका है, लेकिन टीम 3 को थोड़ा सा संभल के खेलना पड़ेगा। एक प्लेयर को इंस्टेंटली यहाँ पे नॉक करके फिनिश ऑफ किया जा चुका है 7C के किफायत के द्वारा। पावलो को भी यहाँ पे स्पॉट किया गया, पावलो को भी इंस्टेंटली यहाँ पे फिनिश ऑफ कर दिया जाएगा। नोवा थोड़ा सा दिक्कत में आते हुए दिखेगी, टॉप 5 में तो आ चुके हैं लेकिन ज्यादा फिनिश आए हैं नहीं, पोजीशन पॉइंट यहाँ पे निकालने पड़ेंगे। दूसरी तरफ TSM के प्लेयर्स एंट्री ले चुके, जाला के ऊपर यहाँ पे नॉक निकाला गया है टीम 8 के प्लेयर्स के द्वारा। ड्यू को स्पॉट किया गया है, डेल्टा यहाँ पे कोशिश करना चाहते हैं एक प्लेयर के ऊपर नॉक निकाले, शॉट यहाँ पे कॉन्स्टेंटली लिया जा रहा है। लेजेंड दूसरी तरफ यहाँ पे जाला को कंफर्म कर चुके हैं, 100 मीटर सर्कल के अंदर मूव करना बहुत ज्यादा दिक्कत भरा रहेगा। लेजेंड दूसरी तरफ नॉक करेंगे, डेल्टा को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगा। लेजेंड यहाँ पे एक और कंफर्मेशन निकालते हुए अपनी टीम के लिए देखते ही देखते, वेट पैराबॉय क्या सर्कल के बाहर है? ओके नहीं नहीं पैराबॉय फिनिश ऑफ हो चुके हैं। वांग के ऊपर नॉक निकाला है, वांग फिनिश ऑफ हो सकते हैं, सर्कल के अंदर मूव करना है। लेजेंड को भी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मुझे दोनों साइड से, 7C के प्लेयर्स ही रहेंगे मुझे लगता है जो चिकन निकाल सकते हैं। यहाँ पे चेस्पा को स्पॉट किया गया, चेस्पा को इंस्टेंटली यहाँ पे फिनिश ऑफ भी कर दिया जाएगा। ब्रावो का रिवाइवल देना यहाँ पे पॉसिबल दिख नहीं रहा मुझे, ब्रावो सर्कल के बाहर है, 8 फर्स्ट एड इनके पास है। ओके सर्कल के बाहर नहीं है, एजेस पे है, थोड़ी देर और सर्वाइव कर सकते हैं। लेजेंड उस दौरान यहाँ पे फिनिश ऑफ हो सकते हैं। हिमालयन कार्डर के प्लेयर्स वापस यहाँ पे टॉप 4 में आ तो चुके हैं, एटलीस्ट यहाँ पे कुछ पॉइंट तो लेकर जाएंगे, कुछ तो नहीं बढ़िया ही पॉइंट लेकर जाएंगे। 7 फिनिश यहाँ पे निकाले गए हैं, 8 प्लेसमेंट पॉइंट और लेकर जा सकते हैं यहाँ से, तो 15 पॉइंट यहाँ पे निकालेंगे। नारुतो के ऊपर नॉक निकाला गया शायद से, लेजेंड मुझे लगता है यहाँ से सर्वाइव कर पाएंगे, उनका भी एलिमिनेशन आते हुए दिखेगा। टॉप 3 पे हिमालयन कार्टल आ चुके हैं, 7C के प्लेयर्स चिकन निकालते हुए भी नजर आ सकते हैं। फॉर्म के प्लेयर्स की बात करें, तीनों प्लेयर अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं। स्टार्टिंग में इस एरिया को टारगेट किया था, उसके बाद से यहाँ पे बैठे हुए थे, अब यहाँ पे सर्कल के अंदर मूव करना पड़ सकता है। सर्कल के अंदर लेट्स सी किस तरह से मूव करते हैं, सामने एक पत्थर मुझे दिख रहा है, वहां पे कवर भी बनाया जा सकता है, ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं, कवर बनाया जा चुका है। लेफ्ट साइड इनका पूरा का पूरा खाली है, ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं। 7C के साथ ही यहाँ पे फाइट लेना पड़ सकता है रियू के ऊपर, लेकिन नॉक निकाला गया है। रियू कवर के अंदर आना चाहते थे, ब्रावो एक ग्रेनेड यहाँ पे कुक किया गया, ये ग्रेनेड यहाँ पे डैमेज दे सकता है लेकिन कनेक्शन बनते हुए दिखेगा नहीं। TLC के प्लेयर्स, टीम 8 कॉम के प्लेयर्स किस तरह से यहाँ पे सर्वाइव करेंगे? 7C यहाँ पे हाथ धो के पीछे पड़ी हुई, एक एक प्लेयर्स के ऊपर 15 फिनिशेज यहाँ पे ऑलरेडी निकाला जा चुका है, बचे हुए जितने फिनिशेज है वो भी निकालना चाहते हैं 7C के प्लेयर्स। गोकू बहुत ज्यादा क्लोजिंग कर चुके, ग्रेनेड वहां जाके फेंकना जरूर चाहते थे होंगे लेकिन नहीं, ज्यादा क्लोजिंग किया है नहीं, वापस यहाँ पे फॉल बैक करते हुए देखे TLC के ट्रम्प। ओके सर्कल का एक और शिफ्ट आ चुका है, अब तो 7C के झोली में, अब यहाँ से चिकन नहीं निकाला तो 7C ने फिर बहुत ही दुख वाली बात रहेगी। लेकिन ट्रम्प को स्पॉट किया जा चुका है, गोकू ने स्पॉट कर लिया और क्या ही बढ़िया कनेक्शन बनाया गया था, ऑलमोस्ट यहाँ पे नॉक किया गया था। आरा आरा थोड़ा सा यहाँ पे, ओके आरा आरा ही, हाँ आरा आरा का ही पोजीशन पता नहीं था, आरा आरा ने यहाँ पर पोजीशन पता था लेकिन 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 थोड़ा सा दिमाग से निकल गया जैसा लगा मुझे। आरा आरा ने यहाँ पे इंस्टेंटली नॉक किया था फिनिश, लेकिन ब्रावो निकालते हुए गए, ब्रावो ने यहाँ पे एक और प्लेयर को नॉक कर दिया, एक और प्लेयर यहाँ पे फिनिश ऑफ करते हुए देखेंगे। 9 फिनिश यहाँ पे ऑलरेडी निकाल चुके टीम के, 6 फिनिश यहाँ पे सोलो निकाला है, टीम दोनों साइड पे डैमेज दिए गए। अब 2v2v1 का फाइट रहेगा, 7C इस फाइट को गंवाना नहीं चाहेगी। 8 फर्स्ट एड है यहाँ पे, हिल बैटल यहाँ पे किया जाएगा। ओके ब्रावो यहाँ पे हिल बैटल करना चाहते हैं ट्रम्प, लेकिन उतने फर्स्ट एड है क्या ब्रावो के पास कि हिल बैटल कर पाए? अभी के लिए हिल बैटल कर तो रहे, ट्रम्प को सर्कल के बाहर जाने का जरूरत था नहीं, सर्कल के बाहर जा रहे हैं, ब्रावो अभी भी हिल बैटल करते हुए नजर आएंगे, ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं। दूसरी तरफ नॉक निकाला जा चुका है, जेस्टर को पता चल चुका है यहाँ पे ट्रम्प का पोजीशन भी, ट्रम्प के ऊपर भी शॉट लिए जाएंगे, एक और प्लेयर यहाँ पे फिनिश ऑफ कर दिए जाएंगे। 17 फिनिश टीम के ऑलरेडी यहाँ पे 7C के आ चुके हैं, ब्रावो अपने टीम को टॉप 2 में लेकर आ चुके हैं। हिमालयन कार्टेल यहाँ से लेकर जाएगी 21 पॉइंट इस मैच से, 9 फिनिशेस के बाकी यहाँ पे आएंगे 12 प्लेसमेंट पॉइंट के, और अपने लीड को जो उन्होंने लीड कल कमाया था उसमें और बढ़ोतरी लाते हुए नजर आएंगे। अब बाकी टीम को ऊपर आना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। TFX अर्ली एलिमिनेट हुए, नोवा के प्लेयर्स टॉप 4 तक आए जरूर थे लेकिन ज्यादा पॉइंट आया है नहीं, एली के प्लेयर्स भी अर्ली एलिमिनेट हुए। 7C यहाँ पे एक जंप लेते हुए नजर आएगी,
कल के दिन शायद से टॉप 5 में थे, अभी यहाँ पे लेकर जाएंगे 15 15 32 रुके 32 पॉइंट लेकर गए। ब्रावो का पोजीशन भी रिवील जरूर है 32 पॉइंट, और इसके साथ मुझे लगता है सीधा यहाँ पे क्लाइम करेंगे कितने में, 66 के अराउंड यहाँ पे पहुंच चुके। लेकिन हिमालयन कार्टल ने अपने लिए गैप बना लिया है। अब यहाँ पे हिमालयन कार्टल ने कितने पॉइंट निकाले इस मैच में, 21, तो 60 के अराउंड थे, 84 के करीब पहुंच चुके होंगे, 84 के करीब। ओके, ज्यादा गैप है, 20 पॉइंट का गैप है। लेट्स सी हिमालयन कार्टल, अब यहाँ पे सीन ये रहेगा हिमालयन कार्टल के ऊपर टारगेट करना पड़ सकता है अगर पॉइंट्स को थोड़ा सा बढ़ने नहीं देना है तो। ये क्या हुआ यार, क्यों अटक गया था बीच में। ओके, वीकेंडी का मैच हमारा पहला समाप्त हो चुका है गाइस। फिनिशर्स यहाँ पे टीम ने निकाले तो है, लेकिन प्लेसमेंट पॉइंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिस करते हुए दिखते हैं प्लेयर्स। थोड़ा सा प्लेसमेंट पॉइंट पे भी फोकस करना पड़ेगा। OMG, हाँ OMG भी भाई, बहुत ही निराशाजनक उनका परफॉर्मेंस रहा है। बड़े दिनों से उनका परफॉर्मेंस मैंने देखा है नहीं। OMG इस तरह से तो खेलती नहीं थी, कमबैक उन्हें भी लाना पड़ेगा। स्टार ऑफ द मैच की बात करें, गोइंग ऑल आउट का टैग यहाँ पे 6 फिश लेकर ब्रावो जाते हुए दिखेंगे। नारुतो बेस्ट कंपेनियन अपने टीम से, 7C और हिमालयन कार्टल के प्लेयर्स ही नजर आएंगे। स्टार ऑफ द मैच में 4 असिस्ट और 3 रेस्क्यू प्रोवाइड किया गया था नारुतो के द्वारा। आखिरी फिनिश हमारा गया था सर्कल के बाहर, सर्कल ले गया था फिनिश। लेट्स सी गाइस दूसरा मैच हमारा कौन सा टीम होगा जो थोड़ा सा यहाँ पे अपने लिए पॉइंट लेकर आ पाएगा। अब 7C है यहाँ पे थोड़ा कॉम्पिटिशन में हिमालयन कार्टल के साथ। नोवा नोवा भी अराउंड 50 समथिंग होगी, 50 मे बी 55 57 58 के करीब मे बी, जहाँ तक मुझे लग रहा है। ओके, 12 शायद से 57 के करीब होगी, 57 के करीब होगी। नोवा को भी एक अच्छा मैच लाना पड़ेगा। अभी भी पॉइंट्स यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे 20 अबव पॉइंट्स का गैप रहेगा थर्ड से लेके फर्स्ट के बीच में। हिमालयन कार्टल अपना लीड अभी के लिए बड़ा तो रही है। लेट्स सी आखिरी मैच, अगले जो मैच रहेगा हमारा अगला, जो शायद से मेरे को लग रहा है, मुझे लग रहा है मीरामार का रहेगा मैच। मीरामार में किस तरह से कमबैक आता है टीम्स का, लेट्स सी। बाकी नीचे से और कोई टीम मुझे नहीं लगता अभी के लिए पॉइंट्स इस डिफरेंस के साथ चढ़ पाएगी, क्योंकि जो पॉइंट का गैप है थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। बैक टू बैक दो मैच अच्छे लाने पड़ेंगे, साथ ही साथ वहां पे जो टीम ऊपर है उनको भी बुरा खेलना पड़ेगा। मुश्किल हो सकता है यहाँ पे अब कमबैक लाने के लिए। 7C के पास ऑप्शन है यहाँ पे, अभी भी यहाँ पे चांस है, ऑप्शन नहीं, चांस है उनके पास कमबैक करने का। नोवा के पास भी थोड़ा यहाँ पे चांस है, हिमालयन कार्टल का दो खराब मैच उनको ऊपर ला सकता है। चलो गाइस नेक्स्ट मैच में मिलेंगे, अगला मैच हमारा रहेगा मीरामार का। आईडी पासवर्ड मे भी आप लोगों को दे दिया होगा, अगले मैच में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। स्ट्रीम पे जो जो आया जल्दी जल्दी लाइक मारो गाइस। लाइक कितना हुआ है, लाइक कितना हुआ है हमारा, ओके 7 लाइक हो चुका है गाइस, 15 लाइक पहुंचाओ यार, और 202 सब्सक्राइबर भी हो चुके हैं भाई। थैंक यू गाइस यार, 200 पहुंचाने के लिए भी लाख लाख बधाइयां, मुझे लाख लाख शुक्रिया आप लोगों का भाई। अगले मैच में मिलते हैं, बाय, तब तक गाइस।
लेट्स गो गाइस, लेट्स गो। आ चुके हैं हम दूसरे मैच के साथ ही। मीरामार का मैच हमारा शुरू हो चुका है। प्लेन पाथ भी हमारा 30 सेकंड के बाद बनते हुए दिखेगा। लेट्स सी क्या ही वैलेंट कार्टेल के प्लेयर्स बैक टू बैक यहाँ पे एक और अपना मैच अच्छा लेकर जा पाएंगे। कल के दिन दो चिकन निकाले थे, एक टॉप थ्री फिनिश किया था। आज के दिन पहला मैच भी वापस से यहाँ पे टॉप टू लेकर आया है। लेट्स सी क्या आज के तीनों मैच यहाँ पे टॉप थ्री में ही फिनिश करेगी हिमालयन कार्टल और यहाँ पे ओवरऑल स्टैंडिंग में टॉप प्लेस भी लेकर जाती है, या फिर जो सेवन सी हमारे पीछे से एक टीम आ रही है चेस करते करते, क्या वो चेस करके यहाँ पे डी थ्रोन करेगी हिमालयन कार्टल को। लेट्स सी मीरामार का मैच। प्लेन पाथ हमारा सामने आ चुका है। प्लेन पाथ हमारा जाते हुए देखेगा वाल्देमार की तरफ से, कम्प्लीटली सदर्न साइड से। ओके, कम्प्लीटली सदर्न तो नहीं, साउथ वेस्टर्न साइड से हमारा नजर आएगा वाल्देमार। लैंड्रिला की तरफ से होते होते जा रहा है पिकाडो की तरफ से एल हजार की तरफ। टीम्स अपने अपने ड्रॉप में पहुंच सकते। लेट्स सी सर्कल, सर्कल यहाँ पे कहाँ बनता है। कल के दिन भी सर्कल ने बहुत ज़्यादा दिक्कत दिया था टीम्स को। कम्प्लीटली यहाँ पे पानी का एरिया का एक सर्कल आया था, लैंड एरिया बहुत ज़्यादा कम, टीम को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ था रोटेट करते समय।
नोवा के प्लेयर्स कोशिश कर रहे थे वहां पे अच्छा खेलने की, ज्यादा कुछ कर नहीं पाए थे कल के दिन, जहां तक मुझे याद है। सेवन सी के प्लेयर्स ने भी कुछ अच्छे फिनिशेस निकाले थे। मीरा मार का मैच किसने चिकन निकाला था मुझे वो याद नहीं आ रहा, लेकिन मैच अराउंड यहाँ कहीं पे फिनिश हुआ था इतना मुझे याद है। लेट्स सी, प्लेन पाथ उतर चुके हैं प्लेयर्स। ओके, सेवन सी के प्लेयर्स बल्दे मार जाते हुए दिख रहे हैं। नोवा के प्लेयर्स, ओके, नोवा के प्लेयर्स बल्दे मार जा रहे हैं और सेवन सी के प्लेयर्स और नीचे ग्लाइड कर रहे हैं और मीनास की तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे। टीएसएम की बात करें, जुम्मा सेरा आराम से अपने लिए पकड़ते हुए दिखेंगे और टीएफएक्स के प्लेयर्स जुम्मा सेरा के आसपास के रीजन में ही, मुझे आसपास के रीजन में स्प्लिट में उतरते हुए दिखे। ओएमजी, आज यहाँ पे ड्रॉप क्लैश है नहीं, कल के दिन यहाँ पे तीन टीम उतरी थी, टीएफएस के प्लेयर्स भी उतरे थे शायद से, उन्होंने आज यहाँ पे अपना डायरेक्शन चेंज किया और सर्कल यहाँ पे कम्प्लीटली नदन साइड पे बना है और सर्कल यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, पूरा लैंड एरिया है, एटलीस्ट टीम के पास यहाँ पे खेलने के लिए जगह तो होगा। अर्ली यहाँ पे नॉक निकाले गए, आरा आरा टीम एट, हमारे टीम एट के प्लेयर्स फाइट ले रहे हैं, नॉक निकाला गया है आरा आरा के द्वारा। लेट्स सी पिकाडो का ये फाइट रहेगा एलन के ऊपर, एलजीडी एलन के ऊपर भी नॉक निकाला जा चुका है। सामने टीम 14 के प्लेयर्स रहेंगे जिनके ऊपर यहाँ पे कनेक्शन बनाए जा रहे हैं। नो फियर के प्लेयर्स बर्लिन को रिवाइव देना पड़ेगा यहाँ पे रिवाइवल, लेकिन क्या यहाँ पे पॉसिबल है? वाइव्स एक ग्रेनेड यहाँ पे कुक करते हुए नजर तो आ रहे, एक ग्रेनेड अगर अरारा के ऊपर कनेक्शन बनाते हैं तो यहाँ पे दिक्कत में डाला जा सकता है टीम एट के प्लेयर्स के ऊपर, लेकिन रियू का एक ग्रेनेड आएगा यहाँ पे फोड़ा जा चुका है वाइव्स को। वाइव्स यहाँ पे ग्रेनेड फोड़ना तो चाहते थे, यहाँ पे खुद ही फटते हुए नजर आए। एक और यहाँ पे नॉक निकाला गया है, दूसरी तरफ रियू भी क्लोज इन करते हुए देखेंगे। रियू का यहाँ पे क्या ही कनेक्शन था, शॉटगन पे शॉटगन इस्तेमाल यहाँ पे बैक टू बैक किए जा रहे प्लेयर्स के द्वारा। एक और प्लेयर को यहाँ पे नॉक किया जा चुका है, वांग अपनी टीम से आखिरी प्लेयर बचे हुए, एक प्लेयर को यहाँ पे नॉक जरूर निकाला है। जाते जाते इस प्लेयर को कम्प्लीटली वाइप आउट करने की कोशिश जरूर रहेगी, वाइप आउट किया जा चुका है, एक फिनिश यहाँ पे कंफर्म किया जा चुका है वांग के द्वारा, लेकिन अपने दो प्लेयर तीन प्लेयर यहाँ पे खोते हुए दिखेंगे। दूसरी तरफ रियू शॉटगन लेके वापस से क्लोज इन करते हुए दिखेंगे, पोजीशन यहाँ पे रिवील जरूर है, क्लोज इन भी यहाँ पे किया जा रहा है। क्या शॉटगन का कनेक्शन यहाँ पे बनाया जाएगा, थोड़ा सा हिचकिचा जरूर है। वांग यहाँ पे अगर फ्री फायर में कनेक्ट कर पाए तो कनेक्ट कर पाए, वरना शॉटगन के थ्रू यहाँ पे फिनिश ऑफ हो सकते हैं। वांग लेकिन थोड़ा फॉल बैक कर चुके हैं, सेकंड फ्लोर यहाँ पे बाहर के सीढ़ी से चढ़ने की कोशिश रहेगी। ओके, थोड़ा और घूमना चाहते हैं, क्लच क्या निकाल पाएंगे यहाँ पे वांग, लेट्स सी। अभी के लिए तो पूरा फॉल बैक किया जा रहा है या फिर नहीं, ओके नहीं अब यहाँ से तो पॉसिबल नहीं है, क्लच करना भी थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे। एमओ इनके पास है नहीं, 12 ही यहाँ पे बुलेट्स नजर आएंगे, बहुत ज्यादा मुश्किल यहाँ से सर्वाइवल। आरा आरा भी लो नजर आ रहे हैं मुझे, उनके पास भी हीलिंग्स तो है नहीं। रिवाइवल अगर यहाँ पे एक ही स्प्रे लाइन ऑफ स्प्रे में आ जाते तो क्लियर तो मुश्किल हो सकता है। आरा आरा के ऊपर नॉक जरूर निकाल, ओके एलन के ऊपर जरूर नॉक निकाला था, रियू यहाँ पे फिनिश ऑफ करेंगे। चार प्लेयर यहाँ पे फिनिश ऑफ हो चुके, पहला टीम यहाँ पे हमारा एलिमिनेट हो चुका है। टीम 22 की प्लेयर्स की बात करें, वो भी सेम एरिया पिकाड़ों में उतरे जरूर है, उनका भी फाइट होते हुए नजर आ सकता है, उनको भी थोड़ा संभल के यहाँ पे पुश करना पड़ेगा, लेकिन अगर थोड़ा सा पहले पुश करते तो टीम गेट को यहाँ पे वाइपआउट किया जा सकता था। क्लोज इन करते हुए नजर तो आ रहे हैं मुझे प्लेयर्स, धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ते हुए भी दिखा देंगे। हिमालयन कार्टल के वंग को था, थोड़ा सा रुक जाओ। हिमालयन कार्टल के इसको देखो ना, जिसपर ब्राको वांग ट्रिपल लाइन तो खेल ही नहीं रहे ब्रो, वांग नहीं खेल रहे, लेकिन हिमालयन कार्टल जरूर यहाँ पे मोंटेनोवो की तरफ दिख रहे हैं और ओके ग्लाइड करके गए नहीं अपने ड्रॉप पे, निकल लेके यहाँ पे रोटेशन पे फोकस दे रहे हैं। ओके हिमालयन कार्टल बहुत अच्छा खेल रही है भाई, कल से मैं देख रहा हूँ, जोन के अंदर अच्छा पहुँच जा रहे, जोन के अंदर जगह अच्छा ले रहे, अच्छे से डिफेंड कर रहे हैं और टॉप थ्री पे देखने को हर बार मिल रहे हैं। अभी भी यहाँ पे एक अर्ली रोटेशन दिया जा रहा है अपने ड्रॉप को, यहाँ पे अपने ड्रॉप पे कम्प्लीटली गए नहीं। एली के प्लेयर्स भी फाइट ले रहे हैं, एलेजर का फाइट होगा ये, ओके हजर का ही फाइट रहेगा। सास्के ने एक प्लेयर यहाँ पे इंस्टेंटली नॉक करके फिनिश ऑफ किया है, एक फिनिश यहाँ पे अपनी टीम के लिए निकाल चुके। टीएस के प्लेयर्स वापस से दिक्कत में आते हुए दिख रहे हैं, बैड एस नॉक होते हुए दिखेंगे टीम 21 के प्लेयर्स के द्वारा शायद से। टीम 21 के प्लेयर्स ये जो नॉक कर रहे हैं, फाइट यहाँ पे हो रहा है ग्रेव यार्ड के अराउंड, ग्रेव यार्ड का ये फाइट रहेगा। ग्रेव यार्ड में हमारी उपस्थिति है मैवरिक, मैवरिक लेकिन मुझे देख नहीं रही है, मैवरिक कहाँ है, वेयर इज मैवरिक? ओके यूनाइटेड के प्लेयर टीम सिक्स के ऊपर हावी हो रहे, टीम सिक्स के प्लेयर्स बैक टू बैक यहाँ पे नॉक तो किए गए, क्राफ्टन भी नॉक मुझे दिख रहे हैं अभय और शाहिद अपनी टीम से आखिरी दो प्लेयर बचे हुए। रिटेलिशन में सामने रिकी के ऊपर नॉक निकाला है,
लोकी डैमेज दिख रहे हैं, लेकिन दूर से रिज भी क्लोज इन कर चुके हैं। हासियादा में उतरते हैं, अब यहाँ पे फाइट लेने के लिए जरूर आए हैं। अब यहाँ पे कोशिश करेंगे सामने अगर फ्लोकी को नॉक निकाल पाए जल्दी से जल्दी, लेकिन नहीं, रेज एक ग्रेनेड यहाँ पे कुक करते हुए दिखेंगे। एक ग्रेनेड यहाँ पे कनेक्शन बनाएगा तो मुश्किल हो सकता है। सामने फ्लोकी रिवाइवल दे रहे अपने टीम मेट को, रेज का ग्रेनेड आएगा, अभय को भी यहाँ पे नॉक कर दिया जाएगा। अब शाहिद अपनी टीम से आखिरी प्लेयर बचे हुए फाइट लेना जरूर चाहते हैं, मुझे लग रहा है। यहाँ पे रेस को स्पॉट किया था, रेस को बिल्कुल भी पोजीशन का अंदाजा है नहीं। वापस से ग्रेनेड को किया जा रहा है, रेस के ऊपर नॉक निकाला जा सकता है, लेकिन अभी भी गन शॉट्स लिए है नहीं। क्राफ्टन यहाँ पे धीरे धीरे क्रॉल इन करके अपने टीममेट के पास आना चाहते हैं, लेकिन दूर से शाहिद को भी स्पॉट किया जा चुका है मैट्रिक्स के द्वारा। मैट्रिक्स ने यहाँ पे पोजीशन जरूर बता दिया होगा, लेकिन उससे पहले खुद ही यहाँ पे कनेक्शन बनाते हुए देखिए शाहिद के ऊपर बहुत ज्यादा कनेक्शन कनेक्ट किया गया है, बुलेट्स कनेक्ट किए गए, ग्रेनेड एक जाते हुए दिखेगा। नॉक प्लेयर को कन्फर्मेशन भी करते हैं, शाहिद बहुत ज्यादा डैमेज दिया गया था, लेकिन उससे पहले यहाँ पे कंफर्मेशन निकाल दिया जाएगा। हिप्पो दूसरी तरफ ऑस्नेन को नॉक करते दिख रहे, आईबीएस के प्लेयर्स भी फाइट लेते हुए देखेंगे। ये फाइट रहेगा हमारा यहाँ पे एनएम के प्लेयर्स, फोरेस के प्लेयर्स को फिनिश ऑफ करते हुए दिख रहे। हिप्पो ने एक और कंफर्मेशन निकाल दिया, एक ओपी नॉक पड़े हुए, रिवाइवल वहां पे देना पड़ेगा। दूसरी तरफ टीम लॉकडाउन के प्लेयर्स ओल्ड बॉय के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर सकती है। बॉय का पोजीशन क्या रिवील है, के रिवील है, इनके ऊपर ही पुश किया जा रहा है। जल्दी से जल्दी इस प्लेयर को अगर यहाँ पे नॉक निकाल लेते तो बहुत बेहतर रहेगा यहाँ पे टीम लॉकडाउन के प्लेयर्स के लिए। ओल्ड बॉय को अपने आप को यहाँ पे डिफेंड करके रखना पड़ेगा। सेक्सा दूसरी तरफ मॉली करते हुए मुझे नजर तो आ रहा है, क्या मॉली कनेक्ट करेगा वहाँ पे थोड़ा मुश्किल लग रहा है। थोड़ा सा यहाँ पे टीम सिक्स टीम के प्लेयर्स भी थोड़ा सा यहाँ पे हेजिटेट कर रहे हैं ऊपर पुश करने के लिए, लेकिन अगर यहाँ पे नॉक करते हैं तो बेहतर रहता है। लेकिन ओल्ड बॉय ने नॉक निकाल लिया है लॉकडाउन के ऊपर। अब यहाँ पे ओल्ड बॉय क्या अपनी टीम के लिए बढ़िया क्लच निकाल पाएंगे, इस दो टीम प्लेयर्स को अगर यहाँ पे नॉक कर देते हैं तो बहुत ही बढ़िया अपनी टीम के लिए गेम बनाते हुए देख सकते हैं। दूसरी तरफ मोटा के ऊपर नॉक निकाला जा चुका है, लॉकडाउन को कंप्लीटली कन्फर्म किया जा चुका है। टीम सिक्सटीन के प्लेयर्स एक एक करके गिरते हुए दिखेंगे। एक और प्लेयर को यहाँ पे फिनिश ऑफ किया जा चुका है, एक और प्लेयर नॉक पड़े हुए, टेक्ता भी यहाँ पे नॉक हो चुके हैं। अब आखिरी प्लेयर बचे हुए एरर एरर, आप अपनी टीम से आखिरी प्लेयर क्या ही कर पाएंगे यहाँ पे, कुछ कर पाएंगे? फॉल बैक यहाँ से लेते हुए देख तो रहे, लेकिन ये फॉल बैक लेना बहुत ज्यादा मुश्किल, दूर से इनके ऊपर शॉट्स कनेक्ट किए जाएंगे। आईबेक्स इस फाइट को अब यहाँ से हारना तो नहीं चाहिए, एक प्लेयर अपना जरूर खोया है मोटा के रूप में आईबेक्स ने, अब एक और प्लेयर यहाँ से खोना नहीं चाहिए। हिमालयन कार्टल्स की बात करें, मूव कर रहे ओपीआर को भी स्पॉट किया गया, उन्हें भी फिनिश ऑफ किया जा चुका है। टीएफएस के प्लेयर रोटेट करके यहाँ पे सीधा पहुंच चुके हैं यूनाइटेड के प्लेयर्स के आसपास। यूनाइटेड के प्लेयर्स यहाँ पे शॉट ले सकते हैं, शॉट यहाँ पे लिया जाएगा। टॉप जी के ऊपर बहुत ज्यादा डैमेज यहाँ पे दिया गया था, लेकिन टॉप जी यहाँ से निकलते हुए नजर आएंगे चुपचाप। अब यहाँ पे धीरे धीरे मूव भी करते हुए दिखेंगे सर्कल के अंदर, और कितना अंदर जाना चाहते हैं वाटर ट्रीटमेंट के अराउंड मूव करते हुए दिखेंगे। एनी ओके यहाँ पे नॉक हो रहे हैं दिल्ली के प्लेयर्स, यहाँ पे नॉक हो रहे हैं फोरेस्ट के प्लेयर्स ने, यहाँ पे टीम 21 को फिनिश ऑफ कर दिया। ओके टीम 17 हावी हुई और फिनिश ऑफ कर दिया जा चुका है। गॉडल गोकू नॉक पड़े हुए, रिवाइवल यहाँ पे भी दिया जा रहा है। नीचे एली की बात करें, ट्रायआउट नॉक पड़े हुए थे, कटप्पा को फिनिश ऑफ किया जा चुका है। इताची सास्के और ट्रायआउट अब अपने टीम से आखिरी तीन प्लेयर बचे हुए, क्या यहाँ पे कम्प्लीटली वाइप आउट कर पाएंगे? टीम शील से बात करें, तीन प्लेयर इनके भी सर्वाइव कर रहे, गोकू नजर आएंगे, लामा नजर आएंगे और नजर आएंगे पैराडॉक्स, एक एरिया अपने लिए लेकर बैठे हुए। लामा का ग्रेनेड यहाँ पे सास्के को नॉक कर देगा। अब एली के ऊपर यहाँ पे पुश भी किया जा सकता है, धीरे धीरे क्लोज इन करते हुए नजर आएंगे। ट्रायल का पोजीशन क्या रिबिल्ड है, इताची के ऊपर पुश किया जाएगा, इताची के ऊपर भी नॉक निकाला जा चुका है। आखिरी प्लेयर बचे हुए, अब उनके ऊपर पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुका है, ट्रायल को यहाँ पे क्लच निकालना ही पड़ेगा अगर इस फाइट को जीतना है। दो प्लेयर यहाँ पे नॉक कर चुके हैं, लेकिन 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 क्लच नहीं कर पाए, गोकू आएंगे फिनिश ऑफ कर देंगे। नॉक प्लेयर को यहाँ पे रिवाइवल भी दिया जाएगा। इसी के साथ हमारे एक और टीम यहाँ से एलिमिनेट हो चुकी है, एली का एक और खराब मैच यहाँ से जाते हुए दिखेगा। मैवरिक के ओके बैडेस और ओस्नेन को यहाँ पे नॉक किया, फिनिश किया गया था। रेक्स ऑफलाइन है और इनका रिवाइवल ओके इनका सर्वाइवल तो यहाँ से इम्पॉसिबल ही नजर आएगा, सून के बाहर ही ब्लीड आउट हो जाएंगे। टीम 13 की बात करें, चारों प्लेयर मुझे सर्वाइव करते हुए दिखेंगे, और जिस साइड से रोटेशन बनाया जा रहा है कम्प्लीटली यहाँ पे इजी रोटेशन है उनके लिए, कोई भी यहाँ पे सर्कल के अंदर मुझे दिख नहीं रहा नदन साइड पे, पूरा का पूरा नदन हाफ ही यहाँ पे खाली है। लेकिन हिमालयन कार्टल के प्लेयर व्हीकल लेके मूव करते हुए दिख तो रहे, 7C के प्लेयर्स भी अराउंड उनके आसपास ही पहुंच चुके हैं। सामने एक और टीम के प्लेयर मुझे नजर आएंगे, नोवा के पाब्लो मुझे नजर आ रहे हैं, पाब्लो के ऊपर शॉट दिए गए थे, बार को यहाँ पे स्पॉट किया गया था गोकू के द्वारा, लेकिन कनेक्शन यहाँ पे बढ़िया बनाया गया था, नॉक नहीं निकाल पाए। 7C क्या ये फाइट लेना चाहती है या फिर सर्कल के अंदर और मूव करना चाहेगी? नोवा के प्लेयर्स अपने टीममेट को यहाँ पे बताया जरूर होगा पाब्लो ने, सामने प्लेयर्स है शॉट लिए जा सकते, थोड़ा सा घूम के आ जाओ। पाब्लो थोड़ा आगे पहुंच चुके, थोड़ा संभल के भी मूव करना पड़ेगा। 7C के प्लेयर्स
नारुतो थोड़ा दूर नजर आ रहे हैं, बाकी दूर प्लेयर ने यहाँ पे घेर के बैठे हुए, थोड़ा सा इन्हें भी ध्यान रखना पड़ेगा अपने सराउंडिंग्स का। टीम थ्री की बात करें, टीम थ्री के प्लेयर शॉट्स ले रहे हैं, टीम थ्री के प्लेयर्स को भी आगे मूव कर लेना चाहिए यहाँ पे अपने टीममेट के साथ, अगर एकजुट हो जाते हैं तो इनके लिए बेहतर रहेगा। व्हीकल इनके पास इतना खासा अच्छा है नहीं, व्हीकल जल्दी बर्स्ट हो जाता है, व्हीकल इनके पास मौजूद है। जेस्टर के ऊपर शॉट लिए तो जा रहे हैं, जेस्टर को भी थोड़ा सा यहाँ पे मूव करना पड़ेगा, व्हीकल यहाँ पे बर्स्ट हो सकता है, दिक्कत में आ सकते हैं। अभी के लिए 7C के प्लेयर्स यहाँ से फॉल बैक कर चुके हैं, कनेक्शन यहाँ पे ज़्यादा इतना अच्छा आते हुए दिखेगा नहीं। यूनिक के मैट्रिक्स TFX के प्लेयर्स के ऊपर नॉक निकाले, यूनिक के प्लेयर्स यहाँ पे क्या फाइट लेने के लिए इंगेज कर चुके हैं। एक प्लेयर को नॉक किया गया, फिनिश यहाँ पे किया जाएगा, यहाँ पे नॉक किया जाएगा, देखते ही देखते यहाँ पे फिनिश किया जा चुका है। रिवाइवल यहाँ पे देने से पहले ही क्या पूरा टीम वाइप आउट हो गई, ओके टीम TFX कम्प्लीटली वाइप आउट हो चुके हैं। टीम यूनाइटेड यहाँ पे 8 फिनिश निकाल चुके हैं। भाई यार लोबी में बंग प्लेयर था, लॉबी में था होगा, और वेट मैं चेक करता हूँ, मुझे अगर यहाँ किसी में दिखते हैं तो। ओके वांग 999 इसमें है ना, ये रहे ना इधर, वांग 999 इधर है, वांग 999 नोवा में पिछले मैच में बहुत सारे M24 के शॉट चिपकाते हुए मैंने देखा था। लेट्स सी इस मैच में सैनोक, सैनोक क्या मीरामार का मैप स्नाइपर वाला मैप है, लेट्स सी और कितने पॉइंट। ओके विंचेस्टर उठा के बैठे हुए यहाँ पे, ऊपर में आके लेट भी चुके हैं, थोड़ा सा संभल के यहाँ पे कनेक्शन बनाना पड़ेगा। गीगा चैट को स्पॉट किया, शॉट्स उनके ऊपर लिए जाएंगे विंचेस्टर के, लेकिन सामने से उतने ही बेहतरीन यहाँ पे शॉट्स आए जा रहे हैं, अगर नॉक होते हैं थोड़ा सा मुश्किल हो सकता था, लेकिन बचते हुए दिखे। कॉम के प्लेयर्स की बात करें, कॉम के प्लेयर्स मूव कर रहे हैं ब्रो, सदन साइड से मूव किया जा रहा है, ट्रम्प को यहाँ पे खोना पड़ा है, लेकिन 8 फिनिश यहाँ पे ऑलरेडी निकाल चुके हैं। फाइट इनका हुआ था पिकाडो के एरिया में, जीती के कैमिल केमिकल था ना, केमिकल, हाँ केमिकल यहाँ पे नॉक कर रहे हैं, ये वाला फाइट है क्या, टीम F2F के साथ फाइट हो रहा है। केमिकल को यहाँ पे इंस्टेंटली फिनिश ऑफ किया जा चुका है, कामा सारा को भी नॉक किया जा चुका है, टीम शील्ड यहाँ पे एक और फाइट में एंगेज के 6 फिनिश यहाँ पे ऑलरेडी निकाला जा चुका है। दो ही प्लेयर बचे हुए अपने टीम से, M4 का यहाँ पे कनेक्शन बनाना चाहते हैं, पुश इन भी यहाँ पे किया जा सकता है। सामने से एक मॉली आया है, गोकू दूसरी तरफ नॉक किए गए सेक्स पिस्टोल के द्वारा, टीम टू क्या यहाँ पे 7C को रोकते हुए नजर आ सकती है, 7C एक बढ़िया मैच उनके तरफ से आते हुए नजर आ सकता है। ओके माया को भी यहाँ पे स्पॉट किया गया, माया चौड़ लेट्स सी इजी यहाँ पे, ओके इजी पीछे आ चुके हैं। 7C के प्लेयर्स फाइट ले रहे थे, टीम टू के रिवाइवल, ओके रिवाइवल वहाँ पे दे दिया जाएगा, गीगा चैट के ऊपर नॉक निकाला गया यूनाइटेड के प्लेयर्स के ऊपर। यूनाइटेड यहाँ पे बैक टू बैक फाइट एंगेज कर रही है, जो जो स्क्वाड इनके सामने दिख रहा है सबके साथ फाइट ले रहे हैं, और वाइप आउट अभी तक दो स्क्वाड को कर चुके हैं ऑलरेडी, तीसरे स्क्वाड को अपना शिकार बनाया, क्या यहाँ पे क्रूजिंग भी किया जाएगा। हिमालयन कार्टेल डिफेंड करना पड़ेगा अगर यहाँ पे पुश आता है तो, और मुझे लगता है पुश भी यहाँ पे किया जा चुका है। इस फाइट से ज्यादा बेहतर मुझे ये फाइट लग रहा है, लेट्स सी रोज का फाइट है यहाँ पे, अगर हिमालयन कार्टल को वाइप आउट करते तो मुश्किल हो सकता है। हिमालयन कार्टल 7C के लिए एक मौका आ सकता है, उसके बाद क्लोज इन करने का, पॉइंट के गैप को और कम करने का, लेकिन फाइट अभी के लिए थोड़ा सा रुका हुआ दिखेगा। माया जॉर्ड यहाँ पे स्मोक फैलाते हुए दिख तो रहे, स्मोक यहाँ पे अपने गाड़ी पे फैला के मूव करने की कोशिश करते हैं कि या फिर फाइट लेना चाहते हैं उसकी तरफ। कल दिन थोड़ा दूर नजर आ रहे, थोड़ा सा अगर यहाँ पे एक्सटेंड किया माया ने ज्यादा तो इनको भी नॉक किया जा सकता है। OMG के प्लेस मुझे नजर आ रहा है ग्रेवयार्ड के एरिया में, चारों प्लेयर है, गन शॉट यहाँ पे सामने से जरूर सुनाई दे रहे होंगे, इतना रेंज है मुझे लग रहा है, गन शॉट यहाँ पे सुनाई दे इनको भी, मूव इनको भी करना पड़ सकता है। सेकंड सर्कल अब हमारा बन चुका था, तीसरा सर्कल भी अब हमारा 42 सेकंड में खत्म होते हुए देखेगा, तीसरा सर्कल हमारा बनते हुए नजर आएगा। ब्लू सर्कल धीरे धीरे क्लोज इन कर रहा है, यूनाइटेड के प्लेयर उस फाइट से फॉल बैक ले चुके हैं, फाइट नहीं लेना चाहते मुझे लग रहा है उस एरिया में। टीम 20 के प्लेयर्स भी मुझे दिख रहे हैं, INT के प्लेयर की पाया दूसरी तरफ फोन पे को नॉक, यहाँ पे नॉक किया जा चुका है। 7C का क्लोज में बैटल शायद से चल रहा है, टीम के बॉम्बे को नॉक किया गया, ब्राउन स्टेन ऑलरेडी, ओके डाकू ऑलरेडी फिनिश है, रिवाइवल यहाँ पे देना पड़ेगा। 7C की प्लेस इतना इजिली तो यहाँ पे फाइव पहुंचेंगे नहीं। टेक्स प्लेस को पिछले मैच में 1v4 किया था OMG की प्लेस को, यहाँ पे बढ़िया स्पॉट किया, बहुत बढ़िया शॉट भी लिया गया था, लेकिन ब्राउन स्टेन को भी यहाँ पे नॉक किया जा चुका है। रिवाइवल देने के लिए जा रहे थे लेकिन अपने आप को गंवाते हुए नजर आएंगे। अब यहाँ पे सेक्स पिस्तौल के ऊपर पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुका है रिवाइवल देने का, अब ये भी मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है। दूसरी तरफ जस्टर नॉक पड़े हुए, उनको भी रिवाइव देना पड़ेगा। गोकू, ओके गोकू ही रहेंगे जो व्हीकल लेके मूव करते दिख रहे, और मुझे लगता है इजिली ये रिवाइवल भी यहाँ पे आराम से दिया जा सकता है, ज़्यादा यहाँ पर दिक्कत रहेगी नहीं। सर्कल की शिफ्ट की बात करें, सर्कल का एक हार्ड शिफ्ट आया है, कम्प्लीटली सदर्न साइड पर आया है,
अब यहाँ पे सेवन सी के प्लेयर्स को मूव करना पड़ेगा, 320 को भी मूव करना पड़ेगा, यूनाइटेड के प्लेयर्स भी मूव करते हुए नजर आ सकते हैं। रिगी के ऊपर नॉक निकाला जा चुका है, नॉक कहाँ से निकाला है, इंस्टेंटली यहाँ पे जोरो के द्वारा टीएसएम के प्लेयर्स पहुंच चुके हैं, जिस एरिया पे यूनाइटेड के प्लेयर्स ने जस्ट थोड़ी देर पहले फाइट लिया था उस एरिया पे पहुंच चुके टीम टीएसएम के प्लेयर्स। अब शॉट्स इनके ऊपर लिए जा रहे हैं, रिगी को इंस्टेंटली नॉक करके फिनिश ऑफ किया गया, जाला को ऊपर में स्पॉट किया गया, जाला के ऊपर क्या ही बेहतरीन यहाँ पे फ्लोकी के द्वारा कनेक्शन बनाया गया, इंस्टेंटली यहाँ पे फिनिश भी करने की कोशिश रहेगी, शॉर्ट्स यहाँ पे पैक टू पैक करने के लिए करते रहे, रिच के पार है, ओके नहीं फिनिश ऑफ हो जाएंगे, जाला को कन्फर्म कर दिया जा चुका है फ्लोकी के द्वारा। बाकी मैट्रिक्स दूसरी तरफ यूनाइटेड रिकी बाकी प्लेस भी क्लोज इन करते हुए दिखेंगे, फाइट यहाँ पे लेना चाहते हैं, बम्बल भी नॉक पड़े हुए, पैराबॉय के साथ कुल का बैटल रहेगा, पैराबॉय दोनों के साथ बैटल, एक प्लेयर को नॉक निकाला जा चुका है, दूसरे प्लेयर के ऊपर भी शॉट लिए जा रहे हैं, रेज लेकिन नॉक किए जा चुके हैं, 2v2 का सिचुएशन, ओके 2v1 का सिचुएशन रहेगा, मैट्रिक्स दूसरे आखिरी जो इनके प्लेयर है फ्लो की उनको भी क्लोज इन कर लेना चाहिए। मैट्रिक्स यहाँ पे मॉली करते हुए दिखेंगे, क्या मॉली का कनेक्शन बनेगा, दूर से इनके ऊपर भी शॉट्स आ तो रहे हैं, फ्लोकी जल्दी से जल्दी क्लोज इन कर दे उनके लिए बेहतर रहेगा, रेस का कंफर्मेशन यहाँ पे बम्बल बी के ऊपर आ चुका है, जोरो के ऊपर भी कंफर्मेशन आ चुका है, पैराबॉय का के पैराबॉय को यहाँ पे फिनिश ऑफ कर दिया जा चुका है, मॉली यहाँ पे लगेगा मैट्रिक्स का, 12 फिनिश यहाँ पे टीम ऑलरेडी निकाल चुकी है यूनाइटेड की, 3 स्क्वाड इनके हाथों से वाइप आउट हो चुके हैं और अभी भी 3 प्लेयर सर्वाइव कर रहे हैं, इस मैच को और बड़ा यहाँ से बनाया जा सकता है। टीम डीएनडी की बात करें जस्ट यहाँ पे नदन साइड से एंट्री ले चुके सर्कल के अंदर, आईबीएस के साथ इनका फाइट होते हुए नजर आ सकता है, आईबीएस के प्लेयर्स अभी भी एजेस पे बैठे हुए हैं, जब सर्कल के अंदर मूव करना पड़ेगा तब इनका फाइट भी रोटेशनल क्लैश यहाँ पे इनके साथ हो सकता है। टीम आईएनडी के प्लेयर्स मूव करके आ चुके सर्कल के अंदर और हिमालयन कार्टेल के प्लेयर्स कहाँ है, हिमालयन कार्टेल के प्लेयर्स कहाँ से मूव कर रहे हैं, हिमालयन कार्टेल के प्लेयर्स की बात करें कम्प्लीटली यहाँ पे नदन साइड से एंट्री बनाना चाहते हैं, वाटर ट्रीटमेंट के हिल्स के अराउंड पहुंच तो चुके हैं, 7C फाइट ले रही है यहाँ पे वापस से, एक और प्लेयर को यहाँ पे शायद से फिनिश ऑफ किया गया है सामने एलजीडी, ओके एलजीडी के प्लेयर्स के नोवा के प्लेयर्स एस्ताबाई को नॉक किया जा चुका है, टीम 8 का यहाँ पे फाइट होने वाला है टीम 7C के साथ, रोकते हुए नजर तो आ रहे हैं, अरारा के ऊपर शॉट कहाँ से कनेक्ट किए गए बहुत ज्यादा लो है। टीम 8 की बात करें दो ही प्लेयर सर्वाइव कर रहे हैं, रियू फिनिश ऑफ हो चुके थे, ट्रम्प भी फिनिश ऑफ हो चुके थे, टीम यहाँ पे फाइट ले रहे हैं ना इनका सर्वाइवल, एस्ताबाई फिनिश ऑफ होते हुए देख सकते हैं, वांग भी नॉक पड़े हुए, उनका रिवाइवल भी बहुत ज्यादा मुश्किल, ओके रोटेशनल के दौरान यहाँ पे रोटेशन के दौरान पकड़े गए हैं प्लेयर, अब यहाँ से रिवाइवल भी बहुत ज्यादा मुश्किल, जैनुल का यहाँ पे ओके जैनुल कन्फर्मेशन निकालेंगे, टीम F2F के प्लेयर्स भी यहाँ पे कन्फर्मेशन निकालते हुए दिखे, TSK टीम शील्ड के प्लेयर्स भी नॉक होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। 7C की बात करें अभी भी इस फाइट पे इंगेज है लेकिन सर्कल के अंदर मूव करना पड़ेगा, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देके मूव करे, जल्दी से जल्दी मूव करना पड़ेगा, सर्कल के अंदर एंट्री तो यहाँ पे आ जाएगा, हाथ से अंडर के जो आउटर है जिसके कंपाउंड है अभी भी खाली है, आराम से अपने लिए जगह बना सकते हैं, टीम शील्ड के प्लेयर फाइट ले रहे हैं, फाइनली यहाँ पे इंगेज हो चुके टीम 24 के साथ, टीम 24 है हमारी, टीम 24 का नाम क्या है, टीम 24 है हमारे आर्यन, आर्यन के स्क्वाड, आर्यन स्क्वाड के साथ यहाँ पे फाइट होते हुए दिखेगा, शील्ड लामा दूसरी तरफ असु को फिनिश ऑफ कर चुके ऑलरेडी, शील्ड लामा और कितने फिनिश यहाँ पे निकाल पाएंगे, बहुत बढ़िया यहाँ पे ग्यात्सो के ऊपर कनेक्शन बनाया गया था लेकिन नॉक नहीं निकाल पाए, और ग्यात्सो क्या यहाँ पे फिनिश ऑफ हो जाएंगे, लेकिन नहीं उससे पहले गोकू दूर से कनेक्शन बनाएंगे, टीम 19 के प्लेयर्स दो ही प्लेयर है लेकिन 4 प्लेयर को यहाँ पे दिक्कत में डालते हुए दिखेंगे, टीम डीएनडी का और टीम आईपीएस का फाइनली फाइट हो चुका है, रोटेशन के दौरान उनका फाइट होना ही था, एक प्लेयर के ऊपर नॉक निकाला गया नमग्याल और स्क्वाड अपने टीम से आखिरी 2 प्लेयर बचे हुए हैं, ओल्ड बॉय को फिनिश ऑफ किया जा चुका है, टीम डीएनडी के द्वारा 2 प्लेयर फिनिश ऑफ हो चुके हैं, शायद से लोकी अपने टीम से आखिरी प्लेयर बचे हुए, लामा यहाँ पे धीरे धीरे क्लोज इन करते हुए दिख रहे हैं, दूसरे प्लेयर को भी यहाँ पे बुला ले तो बेहतर रहता, नमगल को यहाँ पे स्पॉट किया जाएगा, नमगल के ऊपर नॉक भी निकाला जाएगा, इंस्टेंटली यहाँ पे फिनिश ऑफ किया जा चुका है, अपने आप को हील करके आखिरी प्लेयर के ऊपर चढ़ते हुए भी नजर आएंगे, ओके आखिरी प्लेयर को भी फिनिश ऑफ किया जा चुका है। टीम टीएनटी की बात करें लूकी प्लेयर्स यहाँ पे नियो को नॉक करेंगे, नियो को क्या इंस्टेंटली फिनिश ऑफ किया जाएगा, एक और प्लेयर को यहाँ पे बहुत ज्यादा डैमेज किया गया था, लूकी प्लेयर्स क्या यहाँ पे क्लच निकाल पाएंगे अपनी टीम से, आखिरी ही प्लेयर बचे हुए हैं, क्लोज में यहाँ पे फाइट लेने के लिए आते हुए देखेंगे, एक और प्लेयर क्या, एक और प्लेयर के ऊपर नॉक निकाला जाएगा लेकिन नहीं निकाल पाए अपने ही मॉली को, ओके लेजेंड का मॉली आएगा, लेजेंड के मॉली पे चलते हुए नजर आए लेकिन सही टाइम पे लेजेंड अपनी टीममेट को कवर देने के लिए पहुंचे हैं और फिनिश ऑफ भी कर दिया जाएगा, हिमालयन कार्टेल के प्लेयर जस्ट इस फाइट में पहुंचेंगे, इस फाइट में थर्ड पार्टी भी किया जा सकता है, एक फिनिश यहाँ पे ऑलरेडी निकाला गया है टीम डीएनडी के ऊपर थर्ड पार्टी करके और फिनिश यहाँ पे कलेक्ट किए जा सकते हैं, और नदन एरिया अपने लिए थोड़ी देर के लिए खाली यहाँ पे बना सकते हैं, लेकिन सर्कल का एक और हार्डशिप आया है, टीम 17 के पास आया और टीम 17 दो ही प्लेयर है लेकिन पूरा रिच जो उनके पास है, ग्रेवयार्ड मिनास का जो हिल्स होता है जंक यार्ड के पास वाला, उसका कंट्रोल अभी के लिए बना के बैठे हुए, अब अगर उनके पास इनफ एमओ है तो वहां से बहुत सारे फिनिशेस निकाले जा सकते हैं। दूसरी तरफ यूनाइटेड के प्लेयर्स की बात करें, ठीक है
नोवा के प्लेयर्स यहाँ पे टीम 25 के प्लेयर्स के ऊपर शॉट ले रहे हैं। माया के ऊपर नॉक निकाला जा चुका है। नोवा के प्लेयर्स को भी अब सर्कल के अंदर एंट्री बनाना है। ओएनजी के प्लेयर्स भी इस फाइट में हिस्सा देते हुए देख सकते हैं। एलेन यहाँ पे फाइनली नॉक निकालेंगे 7C के ऊपर। जेस्टर ऑलरेडी फिनिश ऑफ हो चुके थे। नाउटू को रिवाइवल यहाँ पे दे तो दिया जाएगा। क्या है यार ये मीरामार का मैच में क्या है? कितने बार होगा क्रैश? जितने दिन से कर रहा हूँ मैं उतने बार क्रैश हो रहा है। आज भी हो ही गया। बेशरम गेम भाई। लाइक मारो गाइस यार, तब तक लाइक मारो यार। दुखड़ा हमारा खत्म होने था। जल्दी जल्दी लाइक मारो, जल्दी जल्दी लाइक मारो। कितना लाइक हुआ भाई? 9 ही लाइक हुआ यार। शर्म आ रहा है तुम लोगों को भाई? 12-13 लोग वॉचिंग में है। मैच खत्म होता ही 30-35 पहुंच जाता है। अभी तक 12, 9 ही लाइक हुआ है। क्या कर रहे हो यार? जल्दी लाइक मारो, जल्दी 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 15 से 20 लाइक पहुंचाओ यार। कास्टिंग पसंद नहीं आ रहा है क्या तुम लोगों को भाई? इतना बुरा कर रहा हूँ क्या मैं अब? सेवेंसी का मैच खराब होते हुए दिख रहा है मुझे। इस मैच में कमबैक लाना थोड़ा मुश्किल। हिमालयन कार्टर रुकने का नाम नहीं ले रही है। हिमालयन कार्टर का अभी के लिए फॉर्म टॉप नॉच चल रहा है। शिफ्ट हो जाओ। ओके, एस्कोबार के ऊपर नॉक निकाला गया यूनाइटेड के द्वारा। ज़ेनुन नारुतो को नॉक कर देंगे। टीम टू के प्लेयर्स एज यहाँ पे संभाल के बैठे हुए हैं। चेस्पा ओएनजी के प्लेयर्स, उनके जोन का एक और शिफ्ट आया है। लेकिन हिमालयन कार्टल के प्लेयर्स के पास अच्छा एरिया है, अभी के लिए सर्वाइव करेंगे। और रिवाइवल भी यहाँ पे दे दिया जाएगा इजिली, ज्यादा दिक्कत आएगी नहीं। अलादीन को फिनिश ऑफ किया जा चुका है। आईएनडी के प्लेयर्स भी फिनिश ऑफ होते हुए दिख रहे हैं मुझे एक एक करके। उराहरा पावलो फिनिश ऑफ हो चुके हैं। 10 टीम अब सर्वाइव कर रही है। एजेस की बात करें, आईएनडी के प्लेयर सर्कल के बाहर अभी भी डैमेज ले रहे हैं। जैनुल अपनी टीम से आखिरी प्लेयर, वो भी सर्कल के अंदर मूव कर चुके हैं। और सर्कल का एक और शिफ्ट आएगा। और अभी भी यहाँ पे यूनाइटेड के प्लेयर्स को फेवर करते हुए यूनाइटेड इस मैच में बहुत ही बढ़िया यहाँ पे फिनिश पॉइंट के साथ चिकन निकाल सकती है। स्काई के प्लेयर्स नॉक हो चुके हैं। हिमालयन कार्टल के प्लेयर्स टीम 17 यहाँ पे दिक्कत दे सकती है। सामने नीचे रेस को स्पॉट किया जा सकता है। रेस अगर यहाँ पे नॉक होते हैं तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है दो प्लेयर का यहाँ से चिकन निकालना। दूसरी तरफ हिमालयन कार्टल के प्लेयर शील्ड से फाइट ले रहे हैं। 7C के किफायत अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं। ओके, किफायत अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन फर्स्ट एड ज़्यादा है नहीं। आखिरी फर्स्ट एड लगाएंगे। सर्कल के अंदर पहुंचना 200 मीटर बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे तो। टीम DND, ओके, हिमालयन कार्टल के साथ फाइट इनका इंगेज हुआ नहीं, लेकिन अब यहाँ पे वापस से सर्कल के अंदर एंट्री बना चुके हैं। सामने इनका फाइट हो सकता है। यमराज ने आते ही नॉक निकाल लिया है हिमालयन कार्टल के प्लेस के ऊपर। ओके, कहाँ से शॉट ले रहे हो, कहाँ पे नॉक निकाल रहे हैं? हिमालयन कार्टल के प्लेस का वाइपआउट हो गया कि नहीं? शील के लामा बैठे हुए। शील लामा मुझे लगता है यहाँ से इतने आसानी से जाने देंगे। 1v4 का सिचुएशन यहाँ पे क्रिएटेड है। ग्रेनेड यहाँ पे किया जा रहा है। बैक टू बैक एक और ग्रेनेड जाएगा। MJ को दूसरी तरफ यहाँ पे DND के जाजिल के द्वारा नॉक किया जा चुका है। लामा यहाँ पे सीधा क्लोज इन कर चुके हैं। मुंह पे यहाँ पे चढ़ते हुए देख सकते हैं। 4 प्लेयर के किफायत OMG के टॉप्स को जाते जाते यहाँ पे नॉक करके जाएंगे। OMG के ऊपर दिक्कत यहाँ पे दिया गया है। अगर टीम DND वहां से पुश करती है तो दिक्कत में आ सकते हैं। लामा एक और ग्रेनेड कर रहे हैं, लेकिन लामा का पोजीशन रिवील था। एक ग्रेनेड आया था सामने से, लेकिन कनेक्शन बनाने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे चूके। लेकिन सामने यहाँ पे एस्कोबार आएंगे, नॉक करेंगे। लेकिन गोकू ने वापस से रिटायरेशन में नॉक निकाला है। लेकिन अब 11 सेकंड का समय रहेगा टीम के पास। गोकू के ऊपर शॉट लिए जा रहे हैं। गोकू को सर्कल के अंदर भी मूव करना है। हिमालयन कार्टल को अपने दोनों प्लेयर को रिवाइव दे के फिर मूव करना पड़ेगा। चारों प्लेयर अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं। DND दूसरी तरफ पुश करके कम्प्लीटली वाइपआउट कर चुकी है OMG के प्लेयर्स को। 11 फिनिश यहाँ पे DND के प्लेयर्स ने भी निकाला है। टीम यूनाइटेड की बात करें, मैट्रिक्स के ऊपर नॉक निकाला जा चुका है। 12 फिनिश टीम के आए थे, लेकिन अब यहाँ पे दो ही प्लेयर सर्वाइव कर रहे हैं। फ्लू की दूसरी तरफ फाइट हो रहा है। यहाँ पे टीम 17 के एक और प्लेयर को शायद से फिनिश ऑफ किया जा चुका है। ओके, एक और प्लेयर को यहाँ पे फिनिश ऑफ किया जा चुका है। मैट्रिक्स का भी कंफर्मेशन निकाला जा चुका है। फ्लू की अब अपनी टीम से आखिरी प्लेयर बचे हुए। सामने चेस्पा को स्पॉट किया गया। चेस्पा के ऊपर शॉट भी लिए गए, लेकिन कुछ कर नहीं पाए। दूर से DND के प्लेयर एक और कंफर्मेशन निकालेंगे। 12 फिनिश यहाँ पे DND निकाल चुकी है। हिमालयन कार्टल वापस से टॉप 4 में आ चुकी है। हिमालयन कार्टल क्या ही परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रहे। 4 फिनिश यहाँ पे निकाला है, टॉप 4 में आ चुके हैं। ब्रावो यहाँ पे सर्कल के अंदर एंट्री बनाएंगे, अपने आप को हील करते हुए देखेंगे। टॉप 3 भी मे भी यहाँ से निकाला जा सकता है। कोशिश कर रहे हैं अपने आप को कवर में लेकर आने के। रिज के यहाँ पे कवर में आएंगे, एक स्मोक यहाँ पे फैलाते हुए भी दिखेंगे। दूसरे टीम 17 के प्लेयर्स 8 फिनिश इन्होंने भी निकाला है। सामने रिस्क का कंट्रोल लेना चाहते हैं। यहाँ से प्लेयर्स को स्पॉट करके फिनिश करने की कोशिश भी रहेगी। और ब्रावो का पोजीशन ही रिवील है, जहाँ से अगर यहाँ पे रिस्क के ऊपर थोड़ा आते तो स्पॉट किया जा सकता है। स्पॉट किया गया, ब्रावो के ऊपर शॉट लिया जाएगा। ब्रावो यहाँ पे फिनिश ऑफ कर दिए गए हाई फाई के द्वारा। 9 फिनिश यहाँ पे टीम 17 के आ चुके हैं। फोरेस्ट के प्लेयर्स यहाँ पे धीरे धीरे फिनिश ऑफ करते हुए दिख रहे हैं। जैनुल दूसरी तरफ, ओके, अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं जैनुल अपनी टीम से।
टीम 20 टीम IND 2 फिनिश निकाले हैं, लेकिन टॉप 3 पे आ तो चुके हैं। टीम DND यहाँ से चिकन निकाल सकती है, 12 फिनिश यहाँ पे ऑलरेडी निकाला जा चुका है। सर्कल का यहाँ पे पूरा का पूरा कंट्रोल इनके पास है, 3 ही टीमें, 4v 2v 1 का सिचुएशन रहेगा। जैनुल अभी के लिए अपना गन शॉट्स ना लेके चुपचाप यहाँ पे अगर सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, 28 मीटर किसी भी तरह, 20 मीटर किसी भी, 28 मीटर ये किसी तरह सर्कल के अंदर सामने डिप में पहुंच जाते हैं, तो मे भी यहाँ पे टॉप 2 निकाल पाए। 10-17 कोशिश करेगी यहाँ पे फाइट लेने की, और सीधा यहाँ पे जजिल के ऊपर स्लैम इन किया जाएगा, लेकिन ये अंधा रश डैमेज देगा। हाई फाई पहुंच तो चुके, एक प्लेयर को यहाँ पे नॉक निकालना पड़ेगा तभी अपने लिए कुछ कर पाएंगे, लेकिन नहीं, हाई फाई को भी यहाँ पे जजिल फिनिश ऑफ करते हुए देखिए, 5 फिनिश यहाँ पे सोलो अपने लिए निकाल चुके, और टीम के 14 फिनिश ऑलरेडी हो चुके हैं। जैनुल अपने टीम को टॉप 2 में लेकर आ चुके हैं। अब यहाँ से ओके स्मोक यहाँ पे किया जा रहा है, अपना लोकेशन भी रिवील करेंगे, लेकिन क्या किल देना यहाँ पे फायदेमंद रहेगा। नियो स्पॉट किया है नियो को, एक कवर में यहाँ पे पहुंचते दिख तो रहे नियो को, यहाँ पे जाते जाते अगर एक प्लेयर को नॉक फिनिश कर पाते तो बेहतर रहता। नियो को स्पॉट किया गया, शॉर्ट उनके ऊपर लिए जाएंगे, बहुत ज्यादा शॉर्ट यहाँ पे लिए गए, लेकिन UMP का इतने दूर पे कनेक्शन बनाना थोड़ा मुश्किल, शॉर्ट थोड़े मिस हुए, मॉली यहाँ पे फेंका जाएगा, उसे कवर फायर भी प्रोवाइड किया जा रहा है। जैनुल के पास जितने यहाँ पे यूटिलिटीज है सब इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन यहाँ से बच के निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल, क्लोज का ये फाइट रहेगा। फोन शॉट यहाँ पे लिया जाएगा, जजिल के ऊपर नॉक निकाला जाएगा, इंस्टेंटली यहाँ पे फिनिश ऑफ किया जा चुका है। सर्कल अभी भी है लेजेंड, लेकिन एक मॉली करेंगे, दूर से यहाँ पे एक और कनेक्शन आएगा, मॉली करते करते यहाँ पे एक और प्लेयर के ऊपर शॉट कनेक्ट किया गया था, लेकिन नियो का पीछे से कवर आएगा, फिनिश ऑफ यहाँ पे कर दिया जाएगा। इसी के साथ 15 फिनिशेस के साथ टीम DND यहाँ पे चिकन लेकर जाएगी, 30 पॉइंट इस मैच में निकाल चुकी है अपने लिए, लेकिन कितना पॉइंट का जंप रहेगा। मालन कार्टर वापस से अपने लिए पॉइंट लेकर आ चुकी है, इस मैच में निकाला है उन्होंने 12 पॉइंट निकाला है इस मैच में वापस से, थोड़ा मुश्किल ही लग रहा है मुझे हिमालयन काटिल के बराबर पहुंचने के लिए। 7C का मैच खराब गया है, इस मैच में पॉइंट्स आए नहीं है उनके। शील्ड के प्लेयर्स बढ़िया खेले, यूनाइटेड के प्लेयर्स ने भी फिनिशेस बहुत बढ़िया निकाले थे, लेकिन 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 प्लेसमेंट पॉइंट लेकर नहीं जा पाए। 7C चार चार यहाँ पे फिनिश पॉइंट लेकर गए हैं, और एक प्लेसमेंट पॉइंट का लेकर जाएंगे उतना, लेकिन काफी नहीं रहेगा, अभी भी सेकेंड में शायद से होंगे, लेकिन टॉप को अगर चेस करना था तो ये मैच को बढ़िया निकालना बहुत जरूरी था, लेकिन हिमालयन कार्टेल के परफॉर्मेंस के यहाँ पे तारीफ होने चाहिए। वापस से यहाँ पे टॉप 4 में आते हुए देखिए, स्टार ऑफ द मैच दिखाई नहीं दे रहा मुझे, ओके कोई नहीं, यूनाइटेड के प्लेयर्स ने निकाले थे कितने, ओके यूनाइटेड ने DND के प्लेयर्स की बात करते हैं, 22 पॉइंट्स उनके कल के थे, अब यहाँ पे इस मैच में आया 30, सीधा आया 52 पॉइंट्स, तो अब यहाँ पे हो रहा है सेकेंड थर्ड फोर्थ के प्लेस के लिए फाइट होते हुए दिखेगा। टीम नोवा का मैच एक और यहाँ पे खराब मैच आते हुए दिखा, कल के दिन बढ़िया खेलते हुए नजर आए थे, लेकिन आज आज इतना अच्छा परफॉर्मेंस आते हुए मुझे दिख नहीं रहा। लेट्स सी आखिरी मैच कितना बड़ा जंप लगा पाते हैं, हिमालयन काटल को क्या यहाँ पे टारगेट किया जाएगा। इस मैच में हिमालयन काटल अपने ड्रॉप तक पहुंचे नहीं, लेकिन एक बढ़िया अर्ली रोटेशन किया था, आखिर तक आए जरूर, फिनिश पॉइंट ज्यादा निकाले नहीं थे, लेकिन प्लेसमेंट पॉइंट लेकर गए हैं। कास्टिंग तो आ गए भाई, स्कॉट बर्निंग नीमा RT8 किसको कैसे पढ़ते हैं, कुछ समझ नहीं आया मुझे इसको कैसे पढ़ते हैं, RT8 सुख आशु भैया जी क्या बोलना चाह रहे हो, मुझे वैसे बोल रहे हो जैसा लग तो नहीं रहा, सामने किसी को बोल रहे होगे, लाइक मारो यार, कास्टिंग आ गया तो लाइक मारो यार, क्या कर रहे हो, लाइक मारो जल्दी जल्दी, कितने हो गए लाइक, ओके 13 लाइक हो गया भाई, 20 लाइक तो पहुंचाओ भाई, अगले मैच मिलेंगे गाइस, अगला मैच फाइनल हमारा, कल का दिन का शुरुआत हुआ था इरेंगल से, फाइनल मैच भी हमारा इरेंगल का रहेगा, इरेंगल हर एक प्लेयर्स को खेलना आता है, लेट्स सी कौन सा टीम रहेगा जो चिकन निकाल के जाता है, कितने फिनिशेस यहाँ पे निकाल पाते हैं। 7C क्या एक और मैच में कम बैक कर पाएगी, पिछला मैच निकाला जरूर था, मीरामार में थोड़ा सा यहाँ पे लड़खड़ाते हुए दिखे थे, आखिरी मैच कम बैक लाया जा सकता है, टॉप 2 के लिए अभी भी फाइट किया जा सकता है। सेकेंड प्लेस के लिए हिमालयन कार्टेल को एक वापस से यहाँ पे 10 से 12 पॉइंट का एक मैच निकालना है अपने लिए, फर्स्ट प्लेस आराम से सिक्योर करके अभी भी बैठे हुए, लेकिन पॉइंट का गैप यहाँ पे ज्यादा देना नहीं चाहिए, थोड़े से और पॉइंट निकाल लेंगे तो उनका टॉप स्पॉट कोई भी नहीं छीन सकता। चलो गाइस नेक्स्ट मैच में मिलेंगे इरांगल के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, स्ट्रीम पे जो जो आया जल्दी जल्दी लाइक भी मार के जाना, सब्सक्राइब भी करके जाना जिस जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, अब हमारा गोल है 250। खाना तो खाना था लेकिन आखिरी मैच बचा हुआ है मेरा यार, एक मैच बचा हुआ है, 12 बजेगा।
Hellcat.
वेलकम बैक गाइस, आखिरी मैच के साथ भी आ चुके। ओके ला 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 ला। ओके 17, ओके 17 लाइक। मैं देख भाई, लाइक मारना आता है भाई, सबको लाइक मारना आता है, बस मारते नहीं है रोज। आज दिलदार बन रहे, सब मर रहे भाई। 20 भी पहुंचा जल्दी जल्दी से। मुर्तजा भैया, मुर्तजा अली बिग फैन ब्रो, थैंक यू भैया जी, थैंक यू। लाइक करवाओ यार, लाइक करवाओ, लोगों से लाइक करवाओ, हमारे वीडियो का रीच थोड़ा और ऊपर चढ़ाओ यार। क्या कर रहे हो तुम? शेयर भी मरवाओ भाई, शेयर मरवाओ, इधर उधर सब्सक्राइब करवाओ। प्लेन पाथ, ओके गाइस, प्लेन पाथ हमारा सार्की की तरफ से जाते हुए दिखेगा नोवो रेपनोए की तरफ। नोवो रेपनोए कम्प्लीटली है नहीं, बिल्टा के थ्रू यहाँ पे होते हुए जाएगा। नोवो रेपनोए भी आराम से पहुंच सकते हैं प्लेयर, ज्यादा दिक्कत वहां पे दिखेगी नहीं। अब यहाँ पे बहुत सारे ड्रॉप फाइट भी होते हुए नजर आ सकते हैं। मैवरिक, मैवरिक मुझे दिख नहीं रही, मैवरिक ने ज्वाइन नहीं किया। एमआर के प्लेयर खेल रहे थे तो मैवरिक भी होगी ना। रेक्स को देखा था मैंने, स्लॉट क्या है मैवरिक का? ओके मैवरिक टीम 7 में कॉम बैडस खेलते हुए दिखे थे, रेक्स को मैंने खेलते हुए देखा था, टीम कॉम में खेल रहे थे। ओके रेक्स टीम 7 फाइट लेने आई है टीम यूनाइटेड के साथ। सामने फ्लूकी और मैट्रिक्स को यहाँ पे स्पॉट किया है। रेस थोड़ा सा अलग दिख रहे हैं मुझे अपनी टीम से और प्लेयर। ओके 3v4 का सिचुएशन यहाँ पे रहेगा। मैट्रिक्स के ऊपर नॉक निकाला जा चुका है, किफायत। दूसरी तरफ डाकू को नॉक निकालेंगे। टीम 2 के प्लेयर्स फाइट लेंगे 7c के साथ। 7c को इस मैच को किसी भी हाल में एक बड़ा मैच बनाना है, इस बड़े मैच में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी के लिए ड्रॉप क्लैश यहाँ पे फेस करते हुए देखेंगे। टीम नंबर 2 हमारी जीटी की टीम के साथ ड्रॉप यहाँ पे लेके क्लैश करते हुए देखेंगे। टीएफएस का यहाँ पे वापस से ड्रॉप क्लैश रहेगा टीम 8 के साथ। ओके बहुत सारे टीम है अब तो यहाँ पे। टीम 6 भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। हिमालयन कार्डल की मुझे ब्रावो नजर आ रहे हैं, ब्रावो लेकिन यहाँ पे आए क्यों? बाकी प्लेयर्स कहाँ हैं? ओके बाकी प्लेयर्स अभी भी ग्लाइड कर रहे हैं, कम्प्लीटली सदर्न साइड पे पहुंच चुके हैं। मैंने बोला ही था कि इनके ऊपर ड्रॉप क्लैश हो सकता था, लेकिन हिमालयन कार्डल पहले से ही सचेत, पहले ही यहाँ पे बहुत दूर निकल चुके हैं। किसी भी तरह इस मैच को थोड़ा सा यहाँ पे वेस्ट होने तो नहीं देंगे। कुछ पॉइंट यहाँ पे अगर निकाल लेंगे तो आराम से यहाँ पे टॉप स्पॉट अभी भी है उनके पास, लेकिन 7C एक बड़ा मैच अगर निकाल देती है तो थोड़ा दिक्कत में हो सकता है। मे बी पॉसिबल नहीं है, लेकिन थोड़े बहुत तो पॉसिबिलिटीज प्रोबेबिलिटीज आते हैं। लेट्स सी हिमालयन कार्टल कितने पॉइंट लेकर जाते हैं इस मैच से। पूरे मैच 5 के 5 जो मैच खेले उन्होंने पूरे कंसिस्टेंट खेले, हर एक मैच में पॉइंट लेकर गए। इस मैच में अभी के लिए थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत में आ सकते हैं जैसा लग रहा था, लेकिन नहीं, अपने ड्रॉप में। ओके ब्रावो अपने ड्रॉप में पहुंचे हुए हैं। बाकी प्लेयर्स कंप्लीटली सदर्न साइड पे लूट करते हुए देखेंगे। नॉट योर पॉइंट नॉक निकाल रहे हैं, ये वाला फाइट कहाँ हो रहा है एग्जैक्टली? आइडिया आ तो नहीं रहा मुझे, कहाँ पे देख तो नहीं रहे। 7C के प्लेयर यहाँ पे हो रहा है ना, रोजोक में फाइट हो रहा है। टारगेट ऊपर नॉक निकाला जा चुका है। बोन रेडी को भी इंस्टेंटली फिनिश ऑफ किया जा चुका है। टीम 21 यहाँ पे एक टीम को वाइप आउट कर चुकी है। 23 टीम अब हमारे सामने हो चुकी है। 7C के प्लेयर्स फाइनली यहाँ पे एक और नॉक निकाला है, वापस से यहाँ पे नॉक निकाला गया है। पिछला वाला नॉक शायद से रिवाइवल हो चुका था, मे बी बैडेस दूसरी तरफ नॉक किए जा चुके हैं। रिगी के द्वारा खुद यहाँ पे किया जा चुका है। एक पिस्तौल यहाँ पे एक प्लेयर को नॉक करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे ना संभल के मूव करना चाहिए था। इतने ओपन में बिना हाथ में वेपन लिए मूव करना थोड़ा सा डेंजरस था। जेस्टर दूसरी तरफ क्लोज इन करेंगे, सेक्स पिस्तौल को फिनिश ऑफ कर चुके हैं। तीन प्लेयर को यहाँ पे कंफर्म करके 7C अभी के लिए अपने आपको बचाते हुए नजर आएंगे, डिफेंड करते हुए नजर आएंगे अपने ड्रॉप को। साथ ही साथ अपने लिए 3 फिनिश निकाल चुके हैं। कोचिंग की में भसड़ अलग मचा हुआ है यहाँ पे, बहुत सारे टीम मुझे नजर आ रहे हैं। टोटल में है यहाँ पे 3 टीम, टीम XDTR थोड़ा सा यहाँ पे ट्राइंगल एरिया के तरफ बैठे हुए 5 हाउसेस की तरफ मुझे आ रहा नजर आ रहा है। बाकी सेंटर का एरिया और 5 हाउसेस का एरिया टीम 8 ने अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। टॉप जी मुझे छत पे चढ़े हुए नजर आ रहे हैं। आरआरआर का पोजीशन शायद से रिवील है, आरआरआर का फुटस्टेप भी शायद से लिया गया है, उनको भी स्पॉट किया गया है वहां पे। लेट्स सी क्या करते हैं। दूसरी तरफ रियू यहाँ पे फंसे हुए, ओके मुझे लगा पूरे अक्रॉस है उस साइड पे, लेकिन नहीं, टीपीपी यहाँ पे लिया जा रहा है ट्रिपल स्टोरी के अराउंड से। ये फाइट बहुत देर तक मुझे लगता है यहाँ पे होल्ड होने वाला है। सर्कल अभी भी इनके पास है तो ज्यादा दिक्कत इनको आएगी नहीं। ओएमजी की प्लेयर्स की बात करें, आराम से स्कूल और अपार्ट्स के रीजन को लूट करते हुए दिखेंगे।
यासनाया में फाइट होते हुए नजर आ सकता है हमारे टीम 24 हमारी आर्यन स्क्वाड साथ ही साथ यहाँ पे मुझे नजर आएंगे टीम TSM के प्लेयर्स, TSM जाला नजर आएंगे, जोरो नजर आएंगे, पैराबॉय नजर आएंगे, बहुत सारे लाइनअप यहाँ पे वापस से शफल होते हुए दिख रहे हैं मुझे, बहुत सारे प्लेयर ऊपर नीचे हो चुके हैं। ओके अलादीन के ऊपर उदाहरा के द्वारा नॉक निकाला गया है, कौन से प्लेयर? ओके ये दूसरे अलादीन है, ये वाला अलादीन आईपेक्स में थे, किस में थे? क्राफ्टन XDTR। फाइनली ये वाला फाइट स्टार्ट हुआ है, क्राफ्टन को फिनिश ऑफ भी किया जा चुका है, अलादीन भी फिनिश ऑफ हो चुके हैं दूसरी तरफ, क्या एक में आके टीम सिक्स के क्राफ्टन तो फिनिश ऑफ हो चुके हैं, अलादीन दूसरी तरफ यहाँ पे फाइट तो वहाँ पे फिनिश ऑफ किया जा चुके हैं। ट्रम्प यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली यहाँ पे प्रेशर बनाने की, लेकिन अभी भी नॉक निकाल नहीं पाए। उदाहरा के INDK प्लेयर के साथ फाइट था ना, INDK के एक प्लेयर को फिनिश ऑफ किया जा चुका है उदाहरा के तरफ, जो कि रहेंगे टीम 23 के प्लेयर, टीम 23 हमारी स्काई के प्लेयर्स एक प्लेयर को फिनिश ऑफ किया है। जैफ अभी भी अपना पोजिशन ओके होल्ड करके बैठे हुए थे, लेकिन यहाँ से फाइट निकालना क्या पॉसिबल है? टीम 8 चारों प्लेयर अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं। आरआरआर भी यहाँ पे घूम के अपने टीममेट के पास पहुंचते हुए नजर आए, लेकिन आइसमैन ने यहाँ पे स्पॉट किया, नॉक यहाँ पे निकाल दिया टॉप जी के ऊपर यहाँ पे, लेकिन कनेक्शन बनाया गया, रिवाइवल यहाँ पे आरआरआर को देना पड़ेगा, आइसमैन ने यहाँ पे बहुत दूर से कनेक्शन बनाया था, नॉक यहाँ पे निकाला गया। MJ दूसरी तरफ बियर्ड को नॉक करेंगे, OMG का फाइट हो रहा है, ओके क्लोज का बैटल रहेगा, इस फाइट को थोड़ा देख लेते हैं। बियर्ड को यहाँ पे मॉली के द्वारा, बियर्ड अपने ही मॉली से थे, OMG के प्लेयर्स नॉक निकाल सकते हैं, लेकिन स्मोकी के ऊपर नॉक निकाला गया रिटालिएशन में, वापस से फॉल बैक करते हुए नजर आएंगे, यहाँ पे प्लेयर अपना गंवाना जरूर नहीं चाहेंगे, रिवाइवल यहाँ पे इनिशिएट किया जाएगा जल्द से जल्द। दूसरी तरफ यहाँ पे MJ के द्वारा कवर फायर प्रोवाइड किया जाएगा, हाई भी यहाँ पे अच्छे एरिया पे बैठे हुए, उस एरिया से हाई एरिया पे बैठे हुए आराम से इस एरिया से। अरे भाई 8 को दिखाओ ना, 8 का फाइट, 8 का फाइट ना, 8 का फाइट हो रहा है, हो रहा है धीरे धीरे वहां पे हो रहा है, उसका बैटल है। टीम 8 के ऊपर नॉक निकाला गया था, लेकिन रिवाइवल यहाँ पे दिया जा चुका है। ट्रम्प यहाँ पे थोड़ा अलग साइड पे दिख रहे हैं, टीम 6 के जो दो प्लेयर हैं उनके ऊपर शॉट्स लेते हुए दिखेंगे, उनके ऊपर भी यहाँ पे फाइट लेते हुए देख सकते हैं। जैफ को अंदाजा है या फिर नहीं ट्रम्प के पोजिशन का, अभी भी यहाँ पे TP भी लिया तो जा रहा है, जैफ बिना फुट दिया अगर नहीं, जैफ नहीं ट्रम्प अगर बिना फुट दिया यहाँ पे बैठते तो एक प्लेयर के ऊपर यहाँ पे सरप्राइज अटैक करके इंस्टेंटली नॉक किया जा सकता है, फिर यहाँ पे दिक्कत में डाला जा सकता है। सैफ सैफ को यहाँ पे किया जाएगा इंस्टेंटली, यहाँ पे नॉक किया जा चुका है, इसी जिसकी मैं बात कर रहा था, एक नॉक निकाला गया है, अब यहाँ पे कुछ भी किया जा सकता है। अरारा कुछ दिन कर चुके हैं ऊपर, बहुत ज्यादा यहाँ पे उन्होंने किए गए, एक ग्रेनेड यहाँ पे किया जाएगा, लेकिन उससे पहले ट्रम्प आएंगे, ट्रम्प नहीं ड्रैगो आएंगे फिनिश ऑफ कर देंगे। अब यहाँ पे TFS के साथ फाइट रहेगा टीम 8 का, हमारे टीम 8 की टीम कॉम यहाँ पे TFS के साथ इस फाइट में एंगेज होंगे, क्या यहाँ से निकलेगी या फिर TFS का ड्रॉप है वैसे ही, डिफेंड करते हुए नजर आ पाएंगे, क्या यहाँ पे अपने ड्रॉप को वापस से यहाँ पे कैप्चर कर पाएंगे। 7C के प्लेयर्स वापस से व्हीकल कलेक्ट करने के लिए थोड़ा सा दूर यहाँ पे शॉर्ट साइड पे पड़ते हुए दिख रहे हैं। यूनाइटेड के प्लेयर्स की बात करें, FS के प्लेयर IPS के प्लेयर्स को यहाँ पे उड़ते हुए नजर आ रहे हैं, ग्रेनेड से यहाँ पे नॉक निकाले गए, MJ के ऊपर भी ग्रेनेड जाएगा, टॉप्स का ग्रेनेड यहाँ पे नॉट बॉय को फिनिश ऑफ कर देगा, नॉक निकाला गया था टीम 25 के ऊपर, पुश यहाँ पे करना पड़ेगा, ओके लोकी प्लेस को यहाँ पे रिवाइव देना पड़ेगा, उससे पहले अपने टीममेट को दो प्लेयर यहाँ पे नॉक किए गए थे, टीम 25 भी थोड़ा संकट में जरूर नजर आ रही है। कामा सारा यहाँ पे कोशिश करेंगे पहले जो नॉक प्लेयर है उनको फिनिश ऑफ करने की, लेकिन रिवाइवल यहाँ पे दिया जा चुका है गेट के थ्रू, अगर एक ग्रेनेड यहाँ पे जाता है, ग्रेनेड गया था लेकिन कवर पे पहुंच चुके मोटा, रिवाइवल दूसरी तरफ लोकी प्लेस देते हुए नजर आएंगे, अपने एक और टीममेट को बचाते हुए भी नजर आएंगे, नॉट योर बॉय दूसरी तरफ फिनिश ऑफ किए जा चुके हैं OMG के द्वारा, OMG वहां पे उस फाइट हारना घूमने जाएगी, 2v4 पे वापस से सिचुएशन को टर्न को किया गया, लोकी प्लेस TP भी लेकर बैठे हुए थे, भी पता नहीं था फेविस्टिक को यहाँ पे पोजिशन का, इंस्टेंटली यहाँ पे नॉक करके फिनिश ऑफ कर दिया जा चुका है। अब आखिरी प्लेयर बचे उन्हें भी यहाँ पे फिनिश ऑफ किया जा चुका है। कोचिंग गेम में वापस से चलते, अभी भी ये बैटल यहाँ पे बना हुआ है, कुंजी की प्लेस की बात करें वहाँ पे फिनिश ऑफ ओके स्टे हाई फिनिश ऑफ करेंगे, NM को भी एक और टीम शायद से एलिमिनेट हो चुके हैं, OMG और चार और फिनिशेस अपने लिए ऐड करते हुए देखेंगे, चार फिनिश यहाँ पे ओके निकाल चुके हैं टीम 7C के प्लेयर, रोटेट करके थोड़ा अंदर आ चुके स्कूल के अराउंड, यहाँ पे स्क्वाड हाउस के करीब पहुँच तो चुके, स्कूल और कोचिंग के बीच के जो स्क्वाड हाउस होते हैं उस एरिया पे पहुँच चुके कुछ क्लस्टर हाउसेस है। लेट्स सी कितने देर तक सर्कल उनके पास रहता है, और मुझे नहीं लगता यहाँ से करना चाहेंगे, सर्कल के शिफ्ट का इंतजार रहेगा, सर्कल का शिफ्ट इतना हार्ड शिफ्ट आया है नहीं, एक हल्का सा शिफ्ट यहाँ पे रहेगा, कटप्पा के ऊपर नॉक निकाला जाएगा, एली के प्लेयर्स फाइट लेंगे अब यहाँ पे OMG के साथ, कटप्पा के ऊपर नॉक निकाला गया है,
हिताची कोशिश करेंगे यहाँ पे अपनी टीममेट को कवर फायर देने की, स्टे हाई कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे अपने आप को सर्वाइव करने की। ओएमजी के पे सीधा यहाँ पे स्लैम किए लेकिन बहुत ही गलत जगह स्लैम किए, आते ही यहाँ पे एमजी को नॉक किया जा चुका है। टॉप के ऊपर भी कनेक्शन बनाया जाएगा, दूसरी तरफ दोनों नॉक निकालेंगे पीएसएम के पे, ऐसे आईडी के पे सीधा नहीं। उनका फाइट कहाँ पे हो रहा था, नोवो में फाइट हो, नोवो में नहीं यासना में फाइट होना था, वहाँ पे दिक्कत हो सकता है। हिताची के ऊपर नॉक निकाला गया, इस फाइट में स्मोकी भी मुझे डैमेज दिख रहे हैं। गूगल ट्रायड फाइट लेना चाहते हैं यहाँ पे, डीपीएस के हाथ में नजर आएगा सामने खिड़कियों पे। ओके वहाँ पे अटके हुए प्लेयर, उनके स्टे है यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह पे अटके हुए, यहाँ से अगर कनेक्ट किया ना ट्रायड के ऊपर कनेक्शन तो मुश्किल हो सकता है। ग्रेनेड यहाँ पे फेंका गया लेकिन ट्रायड को पता ही नहीं चला यहाँ पे प्लेयर बैठे हुए, ट्रायड को आते ही यहाँ पे फिनिश ऑफ कर दिया जाएगा। और अब आखिरी प्लेयर बचे हुए शायद से, उनके आखिरी ही प्लेयर बचे हुए है कम्प्लीटली रिवर के उस साइड, फायर देना बहुत ज्यादा मुश्किल। दूसरी तरफ पोटैटो हिल्स पे मुझे फाइट होते हुए दिखेगा, गॉडेक्स के प्लेयर्स टीम टीएस के फाइट हो रहा है, टीम जक्सी दूसरी तरफ ड्रैगो को नॉक कर चुके हैं, कोको को भी यहाँ पे नॉक किया गया, जोरो नंगेल को फिनिश ऑफ कर चुके हैं, यूनाइटेड के प्लेयर बबलू को फिनिश ऑफ करेंगे, नो फियर वापस एक फाइट पे एंगेज हुई है, नो फियर के प्लेयर कोको को फिनिश ऑफ कर चुके हैं, इताची का कंफर्मेशन यहाँ पे निकाला जा चुका है, रेज फोरेस्ट के प्लेयर को नॉक करेंगे और सर्कल के बाहर का फाइट है ये। पैराडॉक्स यहाँ पे कोशिश करना चाहेंगे फाइट लेते हुए दिख रही है, इस फाइट थोड़ी देर चलते हैं। टॉप जी को नॉक किया गया है, रिवाइवल यहाँ पे पॉसिबल है जैसा लग रहा है, लेकिन टीम एट के प्लेयर्स आखिरी प्लेयर बचे हुए शायद से ट्रंप अपने टीम के, दो प्लेयर यहाँ पे नॉक पड़े हुए, रिवाइवल देना थोड़ा मुश्किल। आइसमैन यहाँ पे क्लोजिंग करते हुए नजर आ सकते हैं, क्लोजिंग यहाँ पे किया गया लेकिन डीपीएस का कनेक्शन बहुत ही बेहतरीन, वेट किया गया, एग्रेस यहाँ पे नहीं किया गया, एक प्लेयर के ऊपर नॉक निकाला जा चुका है, एक और प्लेयर के ऊपर नॉक निकाला जा चुका है, क्या यहाँ पे कनेक्शन बनाया जा सकता है। डीबीएस से वापस स्विच किया गया स्कारलेट पे, अपने आपको अगर यहाँ पे हील कर पाते तो बहुत ही बेहतरीन रहेगा, लेकिन ऊपर टॉप जी कनेक्ट, टॉप जी यहाँ पे पुश किया जा रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे वेपन स्विच करके फ्री फायर यहाँ पे ट्रम्प के द्वारा दिया जाएगा तो एक और प्लेयर को नॉक किया जा सकता है टॉप जी, लेकिन नीचे जा चुके, ट्रम्प को हील करना पड़ेगा यहाँ पे, ट्रम्प यहाँ पे कूदेंगे कनेक्शन बनाना चाहते, एक और प्लेयर के ऊपर कनेक्शन बनाया गया था लेकिन टॉप जी कूदेंगे उससे पहले और फिनिश ऑफ भी करते हुए दिखेंगे। यूनाइटेड के प्लेयर को पूरा शिफ्ट करते हैं, यूनाइटेड के प्लेयर सर्कल के बाहर फाइट ले रहे थे, रिकी टीम यूनाइटेड के किसने एक नॉक निकाला था, ओके रोकी के ऊपर नॉक निकाला जा चुका है, रेज और मुझे लगता है कि रेज मैट्रिक और रेज अब आखिरी प्लेयर बचे, रिकी ऑलरेडी फिनिश्ड है। टीम 17 के प्लेयर्स अब यहाँ पे पुश इन भी करना चाहते हैं। सरचिन बिग फैन स्मोकर सर, थैंक यू भैया जी, थैंक यू कैसे हो सरचिन भैया जी। ओके टीम 17 क्लोज इन कर चुके हैं, हाइब्रिड भी व्हीकल लेके पहुंच चुका है, हाइब्रिड ये गलत यहाँ पे चीज कर रहे हैं, व्हीकल को इस तरह से यहाँ पे माना, रेस यहाँ पे नॉक करेंगे इंस्टेंटली यहाँ पे फिनिश भी कर दिए जाएंगे। टीम 17 का ये ब्लंडर है यहाँ पे, इस तरह से मूव नहीं करना चाहिए था, सामने से ग्रेनेड आ तो रहे हैं, मैट्रिक्स को सिर्फ डैमेज लगेगा नॉक दिखेंगे नहीं, रेस अपने आप को हील कर चुके हैं, मैट्रिक्स भी अपने आप को हील करते हुए नजर आ सकते हैं, आईजीएल अपने आप को बूस्टर्स लगाते हुए दिख रहे हैं, हर साइड से ग्रेनेड किए तो जा रहे हैं बैक टू बैक, लेकिन कनेक्शन अभी भी आते हुए दिखेगा नहीं, मॉली यहाँ पे किया जाएगा लेकिन मैट्रिक्स का ग्रेनेड आएगा कालदेन के ऊपर फटेगा, नॉक निकाला जा चुका है। अब यहाँ पे 2v2 का सिचुएशन रहेगा, बैक टू बैक यहाँ पे ग्रेनेड किया जा रहा है लेकिन कालदेन का मॉली यहाँ पे कनेक्ट करेगा, रेस के ऊपर नॉक निकाला जा चुका है, मैट्रिक्स यहाँ पे बैक टू बैक ग्रेनेड कर रहे हैं सिमेंट्री के अराउंड, एक और ग्रेनेड यहाँ पे किया जा रहा है, अपनी टीममेट को बचाने की कोशिश जरूर रहेगी लेकिन नॉक प्लेयर यहाँ पे रिवाइव होने की। ओके मैट्रिक्स जोन के बाहर यहाँ पे फिनिश ऑफ हो गए, ग्रेनेड आया था कनेक्शन बनाया था बहुत ज्यादा लूक कर दिया था उनको और आईजीएल फिनिश कर पाते, ग्रेनेड से फिनिश तो नहीं हुए लेकिन जोन से यहाँ पे फिनिश ऑफ हो चुके हैं। आईजीएल को क्या पता नहीं चला, शायद से पता चल चुका होगा, सर्कल का अब शिफ्ट आने वाला है कुछ सेकंड में हमारा सर्कल, कुछ सेकंड नहीं एक मिनट है, एक मिनट में सेकंड सर्कल हमारा थर्ड सर्कल बनते हुए दिखेगा, सेकंड सर्कल हमारा खत्म हो जाएगा और हिमालयन कार्टल के प्लेयर्स रोटेट कर रहे हैं, रोटेट करके कहाँ जाना चाहते हैं और उसके तरफ बढ़ते हुए देख सकते हैं, सामने मुझे नोवा के प्लेयर्स भी नजर आ तो रहे, नोवा के प्लेयर्स के ऊपर जाना तो जरूर नहीं चाहेंगे, स्काउटिंग यहाँ पे किया जा रहा है, थोड़ा संभल के मूव करना पड़ सकता है। बबलू ओपी का मॉली यहाँ पे फिनिश करेगा क्योंकि बबलू ओपी का मॉली अपने ही टीममेट पे, ओके पता ही नहीं चला, ओके टीम 17 के प्लेयर्स को पता ही नहीं चला शायद से कि ऊपर प्लेयर फिनिश ऑफ हो चुका है, अभी भी यहाँ पे कुछ करना चाहते हैं लेकिन मैट्रिक्स ऑलरेडी फिनिश ऑफ हो चुके हैं। सेवन से की बात करें, शील के प्लेयर्स आसपास मुझे नजर आ रहे हैं लेकिन एक ही प्लेयर है शायद से, शील के कमल सोलो प्लेयर सर्वाइव कर रहे हैं, स्क्वाड उसको अपना घर बनाया हुआ है लेकिन सर्कल का शेप अब उन्हें मजबूर कर सकता है। यहाँ से मूव करने के लिए वांग ने वापस से यहाँ पे शॉट कनेक्ट किया है, वांग यहाँ पे स्नाइपर क्या ही चला रहे हैं अभी के लिए, कॉम्बिनेशन यहाँ पे वेपन का बहुत ही अलग दिखेगा, एक M16 साथ में यहाँ पे Kar98 दिख रहा है मुझे, सामने इन्होंने नॉक निकाला है ऊपर जो थे प्लेयर्स, कहाँ गए प्लेयर्स, शिफ्ट नहीं हो रहा है वहाँ पे,
हिमालयन काट के लिए प्लेयर्स नॉक करेंगे। ओके 14 के ऊपर नॉक निकाला जा रहा है, टीम 14 के प्लेयर्स यहाँ पे क्लोजिंग कर चुके हैं डीएनडी के ऊपर, डीएनडी के। ओके वांग कौन से वांग ने नॉक निकाला, मैं कंफ्यूज हूँ, वांग यहाँ पे भी है। नो फेयर के प्लेयर्स दूसरी तरफ डीएनडी के प्लेयर्स के द्वारा नॉक किए जा रहे। ओके इंस्टेंटली यहाँ पे फिनिश ऑफ किया जा चुका है। बर्लिन यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं डीबीएस का कनेक्शन बनाने के लिए, लेकिन जैफ ने, जाजिल ने यहाँ पे क्या ही कनेक्शन बनाया एकेएम का, इंस्टेंटली यहाँ पे नॉक किया जा चुका है। अपने टीममेट को यहाँ पे रिवाइव देना जरूर चाहेंगे, लेकिन स्लैमिन आ चुका है। बाकी प्लेयर्स टीम 14 के भी फाइट लेना यहाँ पे जरूरी, बाहर यहाँ पे आए टीपी का एक एंगल रहेगा। सामने यहाँ पे मॉली करते हुए नजर आएंगे वांग, लेकिन मॉली करते करते यहाँ पे फिनिश ऑफ हो सकते हैं, नॉक किया जाएगा। दाजिल यहाँ पे इंस्टेंटली फिनिश ऑफ भी कर देंगे, अपने लिए एक और कंफर्मेशन निकाल चुके हैं। सर्कल के अंदर अभी भी जगह है टीम 14 के एक प्लेयर यहाँ पे चिंप। ओके चिंप यहाँ पे रिवाइवल देते हुए देखेंगे बर्लिन को, यहाँ पे रिवाइवल दिया जा चुका है, अपने आप को हील भी कर चुके हैं। लेकिन जाजिल के द्वारा एक ग्रेनेड यहाँ पे कुछ किया जा रहा है, फेंका जाएगा, लेकिन ग्रेनेड, ओके ग्रेनेड कम्प्लीटली बाहर कैसे आ गया। ओके चिम का ही ग्रेनेड था शायद से, जाजिल का ग्रेनेड बर्लिन को नॉक करेगा फाइनली। आखिरी प्लेयर बच्चे हुए चिम, उनमें भी स्पॉट किया जाएगा, लेकिन शॉटगन यहाँ पे चिपकाया गया। आखिरी प्लेयर लेजेंड आएंगे, ड्रॉप शॉट लेंगे, उन्हें भी कंफर्मेशन किया जा चुका है। डीएनडी 4 फिनिश यहाँ पे निकालेगी, पिछले मैच में चिकन निकाला था, क्या इस मैच में भी चिकन निकाल पाएगी। हिमालयन कार्टिकल प्लेयर्स मूव कर रहे हैं, मूव करके कहाँ जाना चाहते हैं, सर्कल का एक शिफ्ट आया है, और सर्कल का शिफ्ट जो आया है वहाँ पर मुझे लगता है सीधा टीएफएस के ऊपर स्लैम इन कर सकती है। गीगा चैट ने टॉप जी के ऊपर नॉक निकाल लिया, आइसमैन के ऊपर भी बहुत ज़्यादा कनेक्शन यहाँ पे लूज किया था। क्लोजन यहाँ पे आ चुका है, 4v4 का फाइट रहेगा, टीएफएस के प्लेयर 4v3 का फाइट रहेगा, एक प्लेयर को यहाँ पे नॉक किया गया है। ब्रावो यहाँ पे फाइट लेने के लिए आए तो जरूर है, सामने यहाँ पे टीएफएस के प्लेयर कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे ट्राई हार्ड कर रहे हैं कि एक प्लेयर को एक नॉक निकाल पाए, लेकिन जक्सी यहाँ पे नॉक हो चुके हैं। हिमालयन कार्टेल के एस्पार व्हीकल घुमा रहे, एक और प्लेयर आखिरी जो हीरोज है उनके ऊपर जो बाहर थे उनके ऊपर भी नॉक निकाला जा चुका है। दूसरी तरफ आइसमैन टॉप जी को रिवाइव शायद से दे चुके, उस दिन यहाँ पे आते हुए दिखेगा। टॉप जी अपने आप को हील कर लेते बेहतर रहता, आइसमैन यहाँ पे उसमें फाइट लेते बेहतर रहता, लेकिन डीपीएस का कनेक्शन यहाँ पे बनाना चाहते हैं, लेकिन हिमालयन कार्टिल के प्लेयर्स रश करेंगे। 4 प्लेयर यहाँ पे फिनिश ऑफ कर चुके हैं, अब यहाँ पे ग्रेनेड करते दिखेंगे अपने ही टीममेट के ऊपर। ओके नहीं, ओएमजी के प्लेयर क्लोजिंग कर चुके, ओएमजी के प्लेयर्स भी फाइट लेने के लिए आ चुके हैं। 8 फिनिश यहाँ पे ऑलरेडी निकाला गया, ग्रेनेड यहाँ पे बैक टू बैक किया जा सकता है। सियाह का ग्रेनेड यहाँ पे एस्कोबार को फोड़ेगा, एमजे एक और ग्रेनेड कुक कर रहे, एक और ग्रेनेड यहाँ पे फेंका जाएगा, एक और कनेक्शन यहाँ पे बनाया जाएगा, लेकिन एमजे को भी नॉक किया गया है। टॉप्स यहाँ पे सियाह ऑलरेडी फिनिश है, 2 प्लेयर यहाँ पे फिनिश ऑफ हो सकते हैं, एक और प्लेयर को यहाँ पे नॉक किया जाएगा। देखते ही देखते यहाँ पे हिमालयन कार्टेल के प्लेयर्स एक और प्लेयर फिनिश ऑफ कर देंगे। स्मोकी अब अपनी टीम से आखिरी प्लेयर बचे हुए चेस्पा और, लेकिन यहाँ पे एस्कोबार को अभी खोना पड़ा है। स्मोकी कोशिश कर रहे हैं थोड़ा पीछे फॉल बैक करने की, स्मोकी का लोकेशन पता शायद से नहीं है। ओके पता है, स्मोक यहाँ पे ग्रेनेड यहाँ पे किया जा रहा है शैक के अंदर, लेकिन ग्रेनेड थोड़ा ओवर कुक रहेगा। हिमालयन कार्टेल अभी भी सर्वाइव कर रही है, 7 फिनिश यहाँ पे ऑलरेडी निकाल चुकी है, इनफ पॉइंट यहाँ पे निकाल चुके हैं टीम लामा। ओके शील के प्लेयर की बात कर रहे हैं, शील के प्लेयर अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं, सोलो प्लेयर मुझे दिखेंगे। टीम नोवा फाइट लेते हुए दिख रही है मुझे, टीम लॉकडाउन के साथ पाब्लो को यहाँ पे नॉक किया गया, सामने इनका फाइट रहेगा, रिवाइवल देना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लॉकडाउन और जावेद अपनी टीम से आखिरी 2 प्लेयर बचे हुए, पाब्लो का पोजीशन रिवील जरूर है, लॉकडाउन थोड़ा सा यहाँ पे प्रोन होकर बैठे हुए। रिवाइवल क्या होने देंगे, पहुंच तो चुके हैं लेजेंड यहाँ पे रिवाइव देने के लिए, लेकिन निशाने पे थे, लेजेंड को स्पॉट किया गया, ऊपर लिए जा रहे, लेकिन व्हीकल का कवर रहेगा। वांग यहाँ पे सामने स्नाइपर चलाते हुए दिख रहे हैं, क्या कनेक्शन बनाएंगे वांग स्नाइपर चलाते चलाते, खुद ही ऑलमोस्ट यहाँ पे नॉक हो गए थे, लेकिन बचते हुए दिखे, अपने आप को हील करेंगे। पेड़ के कवर में भी है, रिवाइवल अपने टीममेट को दे दिया जा चुका है। 4 प्लेयर वापस स्टैंडिंग अपने कदमों में आ चुके हैं, प्लेयर्स जो नॉक पड़े थे लॉकडाउन यहाँ पे व्हीकल लेके निकलते हुए दिखेंगे। मूवी थोड़ा दूर जा चुके उस फाइट से कम्प्लीटली, अब यहाँ पे चाहेंगे थोड़ा सर्वाइव कर पाए। आईएनडी की बात करें, आईएनडी के प्लेयर्स मुझे नजर आएंगे पटैटो हिल्स पे, पटैटो हिल का यहाँ पे फाइट। ओके इनका फाइट जहाँ पे भी हुआ 3 प्लेयर यहाँ पे फिनिश ऑफ किए गए हैं, अलादीन को जरूर खोया था। आईबीएस के प्लेयर्स की बात करें, 4 प्लेयर ये भी सर्वाइव कर रहे हैं, 11 टीम अभी भी इस मैच में बनी हुई है। सर्कल के अंदर की बात करें, 32 के 32 प्लेयर सर्कल के अंदर ही है। यूनाइटेड के प्लेयर्स फिनिश ऑफ हो गए थे, टीम 17 के प्लेयर्स भी फिनिश ऑफ हो गए। ओके लॉकडाउन ने नॉक निकाला, ओके पाब्लो के ऊपर वापस से नॉक निकाला गया, अलग ही एरिया। ओके कम्प्लीटली पीछे साइड पे आ चुके हैं नोवा के, पीछे आ गया, पाब्लो के ऊपर नॉक निकाला है। एस्ता बाइक के ऊपर एक ग्रेनेड जा तो रहा है, लेकिन कनेक्शन जाएगा नहीं। पाब्लो को यहाँ पे फिनिश ऑफ किया जा सकता है, लेजेंड में फाइट लेना चाहते हैं, लॉकडाउन के ऊपर नॉक निकाला जा चुके हैं, कर दिया जाएगा। सामने कवर भी नहीं आ रहा जावेद की तरफ से, जावेद अगर कवर देते बेहतर रहता। लेजेंड जब आप अपने टीममेट को रिवाइव देने के लिए भी जाएंगे, सामने से ग्रेनेड कुक तो हो रहा है जावेद के द्वारा, लेकिन जावेद ने अपने आप को ही फोड़ लिया। क्या हो रहा है यहाँ पे, जावेद ने अपने आप को फोड़ लिया। माल
नोवा के प्लेयर्स अभी भी सर्वाइव करेंगे, चारों प्लेयर पाब्लो को वापस से रिवाइव दे दिया जाएगा। डीएनडी के प्लेयर्स की बात करें, फिनिश वहां पे वाइप आउट किया था टीम 14 के प्लेयर्स, अब सर्कल के अंदर मूव करना पड़ेगा और सर्कल का शिफ्ट कम्प्लीटली यहाँ पे नदन साइड का आया है। अपार्ट्स का रीजन अभी भी सर्कल के अंदर है, 7C के प्लेयर सीधा टीम 17 के ऊपर चढ़ते हुए नजर आएंगे। फाइट यहाँ पे लिया जा सकता है, 7C को ये मैच अच्छा बनाना है। ओके, 3v3 का फाइट रहेगा शायद। 7C के प्लेयर्स टीम 17 के फिर अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं। नारुतो यहाँ पे क्लोज में जाएंगे सीधा, ये रश यहाँ पे इनको महंगा पड़ेगा। इस तरह से यहाँ पे रश करना जरूरी नहीं था, आराम से टाइम लेके रश किया जा सकता था। नारुतो आते ही यहाँ पे फिनिश ऑफ कर दिए गए। उसके ऊपर यहाँ पे क्लोज का बैटल का रिस्पॉन्सिबिलिटी आया है, थोड़ा सा पीछे फॉल बैक करते हुए नजर आ रहे हैं। जेस्टर अपनी टीम से बहुत ज्यादा दूर है, ग्रेनेड यहाँ पे किया जा रहा है सामने। तो भी आईपीएल के द्वारा मॉली फेंका गया था, मॉली का कनेक्शन आया नहीं, लेकिन फॉलो अप ग्रेनेड भी आया था, उसका डैमेज लगेगा यहाँ पे और फॉल बैक कर चुके हैं। जेस्टर दूसरी तरफ से आए तो है बैक स्टैप करने के लिए, बबलू के ऊपर शॉट लिए जाएंगे लेकिन कनेक्शन अभी भी बनते हुए दिखेगा नहीं। रिलोड करेंगे अपने वेपन को, वापस से कनेक्शन बनाना जरूर चाहेंगे, लेकिन गोकू इसी दौरान व्हीकल बर्स्ट में दो प्लेयर को नॉक कर देंगे। अब आखिरी प्लेयर बचे हुए का ओके, कल्देन अपने टीम से आखिरी प्लेयर बचे हुए, उनका सर्वाइवल बहुत ज्यादा मुश्किल। किफायत आएंगे, फिनिश ऑफ कर देंगे। 7C अपने आप किसी तरह इस फाइट में बचाते हुए नजर आएगी और फिनिश भी यहाँ पे सिक्योर किया गया, व्हीकल भी लेकर आते हुए नजर आ सकते हो। टीम पूरा हरा, टीम 23 के प्लेयर शॉट ले रहे हैं 7C के ऊपर। टीम 7C सर्कल का एरिया अब अपने लिए संभाला जरूर है, वहाँ उस एरिया को अब डिफेंड भी करना पड़ेगा। लेट्स सी कितना डिफेंड वहाँ पे अच्छे से कर पाते हैं। शॉट्स यहाँ पे बैक टू बैक लिए तो जा रहे टीम 23 के द्वारा। टीम डीएनडी भी पोटैटो हिल्स के आसपास मुझे पहुंचते हुए नजर आ रही है, इनका फाइट होगा आईएनडी के प्लेयर्स के साथ। आईएनडी के प्लेयर्स जस्ट अबव रिज में बैठे हुए, इनके शॉट्स इनके ऊपर लिए जा सकते हैं। लेजेंड को स्पॉट जरूर किया गया होगा। और प्लेयर्स की बात करें, स्मोकी को मूव करना पड़ेगा, हिमालयन कार्टेल के प्लेयर्स कर चुके हैं डीएनडी के प्लेयर्स के ऊपर शॉट। ओके, हिमालयन कार्टेल के साथ फाइट होगा, स्मोकी यहाँ पे व्हीकल जरूर स्पॉट किया, उनके ऊपर शॉट भी ले जाएंगे। ब्रावो बहुत ज्यादा डैमेज अभी के लिए व्हीकल को ही लगा है, लेकिन गीगा चैट ऊपर पट लिए जाएंगे। गीगा चैट ऊपर भी डैमेज यहाँ पे अभी तक इन्फ्लिक्ट नहीं किया गया है। कोशिश करेंगे यहाँ पे आप स्मोकी भी सर्कल के अंदर मूव करने की, व्हीकल लेके यहाँ पे भी बढ़ते हुए नजर आएंगे। हिमालयन कार्टेल टॉप 9 पे आ चुकी है ऑलरेडी, सर्कल के अंदर एंट्री भी बनाते दिखी और एंट्री लेके पोटैटो के हिल्स के आसपास पहुंचते हुए भी दिखी और एज पे यहाँ पे आ चुकी है। अभी भी यहाँ पे इजिली सर्वाइव किया जा सकता है, नेक्स्ट सर्कल के शिफ्ट का वेट रहेगा। शील्ड के खा ओके, कमल अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं। सर्कल का शिफ्ट आया और एक हार्ड शिफ्ट आया है और आईएनडी को फेवर कर रहा है। ओल्ड बॉय दूसरी तरफ टीएनडी के साथ फाइट ले रहे हैं, आईबीएस का फाइट हो रहा है। जाजिल को नॉक किया गया, ओके जाजिल के द्वारा नॉक किया गया था। नियो यहाँ पे नॉक पड़े हुए, रिवाइवल यहाँ पे देना पड़ेगा। आईबीएस की बात करें, तीन प्लेयर अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं। ओल्ड बॉय को फिनिश ऑफ किया जा चुका है, यमराज जोन के बाहर नॉक हो चुके हैं। यमराज कहाँ नॉक हो रहे, जोन के बाहर क्यों नॉक हो रहे? ओके, यमराज जोन के बाहर नॉक हो चुके हैं। नियो को यहाँ पे रिवाइवल दिया तो जा रहा है, लेजेंड के द्वारा एक ग्रेनेड किया जा रहा है, लेकिन सामने से भी ग्रेनेड फूंक किए जा रहे हैं। थोड़ा सा अगर एक ग्रेनेड का बाहर कनेक्शन आता है तो मुश्किल हो सकता है टीम डीएनडी के लिए भी। एके ओपी के द्वारा एक ग्रेनेड किया था लेकिन कनेक्शन बनते हुए दिखेगा नहीं। लेजेंड को यहाँ पे स्पॉट किया जा चुका है, लेजेंड को लेकिन दूर से भी इनके ऊपर शॉट लिए जा रहे हैं। एके ओपी यहाँ पे स्पॉट करेंगे, शॉट लिए जाएंगे लेजेंड के ऊपर। एके एम का कनेक्शन बना है नजर आ रहे हैं, किया जाएगा। एके ओपी नॉक निकालेंगे, टीम डीएनडी दिक्कत में दिख रही है, लेकिन पीछे से थर्ड पार्टी किया जाएगा टीम थ्री के द्वारा। टीम थ्री इस फाइट को देख के जरूर बैठी है। एके ओपी को यहाँ पे वांग के द्वारा वापस से यहाँ पे कार 90 चिपकाया जाएगा। वांग यहाँ पे स्नाइपर किंग बन के बैठे हुए पिछले 3 मैच से, लेकिन मोटा मोटा भी यहाँ पे नॉक किए जा चुके। न्यू के ऊपर नॉक निकाला गया था, लेकिन लूकी प्लेज अपने टीम के लिए क्लच यहाँ पे करते हुए देखेंगे। आखिरी जो प्लेयर बचे थे उन्हें भी यहाँ पे फिनिश ऑफ किया, लोकी अपने लिए फिनिश निकालेंगे। टीम का 7 फिनिश हो चुका है, एके ओपी को भी यहाँ पे रिवाइव देना पड़ेगा। टीम नोवा की बात करें अभी भी सर्वाइव कर रहे, हिमालयन कार्टेल की बात करें अभी भी सर्वाइव कर रहे, स्मोकी अपनी टीम से आखिरी प्लेयर अभी भी सर्वाइव कर रहे, 7C की बात करें गोकू फिनिश ऑफ हो चुके हैं, किफायत फिनिश ऑफ हो चुके हैं, जेस्टर अब अपनी टीम से आखिरी प्लेयर बचे हुए हैं। 6 फिनिश यहाँ पे टीम ने निकाले हैं, टोटल में टॉप 8 पे आए हैं। यहाँ से अगर एलिमिनेट होते तो एक ही पॉइंट लेकर जाएंगे, थोड़ा और सर्वाइव करना पड़ेगा। टॉप सेकेंड प्लेस को अभी भी अगर अपने हाथ में रखना है तो डीएनडी दूसरी तरफ एलिमिनेट हो चुकी है, अगर उनकी तरफ से भी एक बड़ा चिकन आता तो मे भी वहाँ पे सेकेंड प्लेस में ले सकती थी। टीम नोवा की बात करें, नोवा भी यहाँ पे सेकंड प्लेसमेंट तो जरूर चाहती है। 4 फिनिश यहाँ पे निकाला है, चिकन को यहाँ पे टारगेट किया जाएगा। चारों प्लेयर अभी के लिए पैसिव खेलते हुए दिखेंगे, ज़्यादा यहाँ पे एग्रेशन शो करते हुए दिखेंगे नहीं। उड़ाहरा के ऊपर नॉक निकाला जा चुका है, आईपीएस के ऊपर क्या यहाँ पे स्लैमिंग किया जाएगा। लुकी के ऊपर बहुत ज़्यादा डैमेज यहाँ पे दिया गया, स्काई के प्लेयर्स जोन के बाहर है, जोन के अंदर उन्हें मूव करना है और किया जाएगा। स्काई नज़र के ऊपर भी नॉक निकाला जाएगा एक ओपी के द्वारा, अब सर्कल के अंदर मूव भी किया जा सकता है। स्काई के प्लेयर्स जोन के बाहर ही फिनिश ऑफ हो सकते हैं।
इरफान अपनी टीम से, ओके इरफान और क्रेटोस अपनी टीम से आखिरी दो प्लेयर बचे हुए, वांग वापस से एक स्नाइपर लेकर बैठे हुए, किसके ऊपर कनेक्शन बनाएंगे, M16 लेकर बैठे हुए, लेकिन सामने मोटा को स्पॉट किया था, लेकिन मोटा ने वांग के ऊपर बढ़िया नॉक निकाला। मोटा ने भी M16 चलाया क्या? कि मोटा भी M16 चला रहे हैं, M16 के द्वारा नॉक निकाला गया, स्काई के नजर फिनिश हो चुके हैं, आईबीएस के प्लेयर नौ फिनिश यहाँ पे ऑलरेडी निकाल चुके हैं, अब टीम थ्री के ऊपर दिक्कत दे रही, एक प्लेयर के ऊपर नॉक निकाला गया, कमल दूसरी तरफ शील्ड के आखिरी जो प्लेयर थे उन्हें भी फिनिश ऑफ किया जा चुका है। हिमालयन कार्टल अभी भी सर्वाइव कर रही है, स्मोकी अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं, सेवन सी के सोलो प्लेयर जेस्टर अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन अब सर्कल इनके पास है नहीं, सर्कल के अंदर मूव करना पड़ेगा, सर्कल अब है हिमालयन कार्टल के प्लेयर्स के पास। दूसरी तरफ वांग को भी फिनिश ऑफ किया जा चुका है, क्रेटोस को भी फिनिश ऑफ किया जा चुका है, पाब्लो के ऊपर नॉक निकाला गया एक्यूबी के द्वारा, इंस्टेंटली यहाँ पे आईएनटी के रोलेक्स के द्वारा फिनिश ऑफ कर दिया गया। आईएनडी के प्लेयर्स दूर से शॉट्स ले रहे हैं, आईएनडी के पास भी सर्कल अब नहीं है, थोड़ा सा आगे मूव करना पड़ेगा। लेजेंड और एस्ताबाई अब अपनी टीम से आखिरी प्लेयर, एकेओपी सर्कल के सीधा अंदर के अंदर पहुंचे नहीं है, थोड़ा और आगे बढ़ना पड़ेगा, और लेकिन आगे जाएंगे कैसे, पूरा का पूरा ओपन एरिया है, रिज का हाई एरिया का कंट्रोल यहाँ पे टीम 20 और टीम हिमालयन कार्टेल के ऊपर है, हिमालयन कार्टेल के ऊपर, लेकिन यहाँ पे पुश किया जा रहा है आईएनडी के प्लेयर्स के ऊपर, उन्हें पता है सर्कल उनके पास ही है, उसी एरिया में मूव करना पड़ेगा। स्मोक पाथ यहाँ पे क्रिएट किया तो गया है, पुश करने की कोशिश भी रहेगी हिमालयन कार्टेल, अगर ये डिफेंड करती है तो यहाँ से मे बी चिकन भी निकाल सकती है, ज्यादा प्लेयर्स बचे हुए हैं नहीं। आई ओके आईपीएस के तीन प्लेयर बचे हुए सर्कल के अंदर, उन्हें मूव अभी भी करना है, अभी भी सर्कल के बाहर ही है, रोलेक्स जिस एरिया पे बैठे हुए वहां से आईपीएस के प्लेयर को रोक सकते हैं, लेकिन खुद भी यहाँ पे नॉक सकते हैं, प्लेयर को यहाँ पे स्पॉट किया, बहुत ज्यादा डैमेज दिया गया, अब यहाँ पे वापस से अपना फोकस शिफ्ट किया है हिमालयन कार्टेल के प्लेयर्स के ऊपर, की का चाहे ग्रेनेड कर रहे, ग्रेनेड का क्या कनेक्शन आएगा वापस से, लेकिन अंतिम दिया जा चुका है ग्रेनेड, क्लोज में यहाँ पे रोलेक्स चढ़ते हुए नजर आएंगे, डीपीएस इनके हाथ में नजर आएगा, ब्रावो थोड़ा सा पीछे जाके बैठे हुए, स्मोक यहाँ पे फैलाया जा रहा है, मॉली भी यहाँ पे पैक पैक किया जाएगा, ग्रेनेड यहाँ पे वापस से गीगा चैट के द्वारा कुक किया जा रहा है, अगर एक ग्रेनेड का कनेक्शन आता है, स्टन किया गया था रोलेक्स के द्वारा, लेकिन कनेक्शन बनते हुए दिखेगा नहीं। दूसरी तरफ टीम थ्री के प्लेयर्स रोटेट करके स्मोकी के ऊपर चढ़ना चाहते हैं क्या, स्मोकी के ऊपर कुछ तो किया जा रहा है, मुझे दूर नजर तो आ रहे हैं, स्मोकी क्या वहां से क्लच कर पाएंगे। दूसरी तरफ क्लोज का बैटल, गीगा चैट ग्रेनेड कर रहे हैं, आईएनडी के रोलेक्स के ऊपर कनेक्शन बनाया जाएगा, उन्हें भी फिनिश ऑफ किया जाएगा, आईबीएस के मोटा दूसरी तरफ जोन के बाहर नॉक होते हुए दिख रहे हैं, जेनु शॉट लेंगे, आईबीएस के दो प्लेयर यहाँ पे जोन के बाहर फंसे हुए, आईबीएस देखते ही देखते एलिमिनेट हो सकती है, लेकिन लोकी प्लेस अभी भी सर्कल के अंदर मूव करते हुए दिखेंगे, लोकी प्लेस सेवन सी के चेस्टर के ऊपर चढ़ चुके हैं, जेस्टर को पोजीशन बिल्कुल भी पता नहीं है, लोकी प्लेस जेस्टर को स्पॉट कर सकते हैं अगर, तो मुझे स्पॉट हो रहा है, लेकिन स्मोक जैसे हटेगा लोकी प्लेस स्पॉट कर सकते हैं, इनके ऊपर शॉट लिया जा सकता है, एस्ताबाई को यहाँ पे फिनिश ऑफ किया जा सकता है, रोलेक्स दूसरी तरफ फिनिश ऑफ हो चुके हैं, हिमालयन कार्टल नौ फिनिश लेके वापस से यहाँ पे टॉप फाइव पे आ चुकी है, हिमालयन कार्टल क्या ही खेल रही है भाई, जेस्टर को यहाँ पे फिनिश ऑफ कर दिया जाएगा, फाइनली लोकी प्लेस के द्वारा आईएनडी के ऊपर ग्रेनेड जाएगा, ब्रावो का एक और प्लेयर को नॉक किया जा चुका है, ओके मॉली था शायद से, जैनुल अब अपने टीम से आखिरी प्लेयर बचे हुए, एस्ताबाई का कंफर्मेशन आ चुका है, अब यहाँ पे 1v1v1v2 का बैटल रहेगा, हिमालयन कार्टेल चिकन निकाल सकती है यहाँ से, इजीली चिकन निकाल सकती है जैनुल, लेकिन क्या ही नॉक निकालेंगे यहाँ पे हिमालयन कार्टेल के प्लेस के ऊपर, अब यहाँ पे गीगा चैट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आया, वेपन यहाँ पे स्विच किया गया है, लेकिन वेपन बहुत ही बढ़िया है यहाँ पे गीगा चैट के पास, और यहाँ पे नॉक निकाला जाएगा, देखते ही देखते मेरा गेम भी क्रैश करेगा, हिमालयन कार्टेल प्लेयर नीचे गिरे जरूर थे क्या, नीचे से लोकी प्लेयर्स रहेंगे जो उनके ऊपर शॉट कनेक्ट करके फिनिश ऑफ करेंगे, लेट्स सी कैसा रहता है। लेट्स सी कैसा रहता है। यार एक और मेरे एंगल में भी अब क्रैश हो रहा है गेम यार, अजीब नशे हैं। ओके लेजेंड अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं, सामने हिमालयन कार्टल के प्लेस के साथ है, लोकी को फिनिश ऑफ किया जा चुका है, नोवा के प्लेस फाइनली यहाँ पे सर्कल में आ चुके हैं, और हिमालयन कार्टल क्या आखिरी मैच आज का चिकन लेकर जाएंगे, कल के दिन भी आखिरी मैच चिकन निकाला था, कल के दिन दो चिकन निकाले थे, आज के दिन यहाँ पे एक और चिकन निकालते हुए भी नजर आ सकते हैं, नोवा के लेजेंड क्या यहाँ पे क्लच कर पाएंगे, अपनी टीम के लिए क्या यहाँ से चिकन निकाल पाएंगे, पांच फिनिश यहाँ पे टीम के ऑलरेडी आए, ब्रावो को यहाँ पे स्पॉट जरूर किया है, मॉली यहाँ पे किया जा रहा है, लेकिन मौली का अभी भी कनेक्शन बनते हुए दिखेगा नहीं, गीगा चैट थोड़ा सा सर्कल के बाहर है,
उनको भी सर्कल के अंदर आना पड़ सकता है। धीरे धीरे यहाँ पे लेजेंड के द्वारा मूव तो किया जा रहा है, ब्रह्मो को यहाँ पे स्पॉट किया जाएगा, ब्रह्मो को यहाँ पे नॉक भी निकाला जाएगा। अब गीगा चैट आखिरी प्लेयर बचा हुआ, लेकिन गीगा चैट ने यहाँ पे स्पॉट कर लिया। हिमालयन कार्टेल यहाँ पे जाते जाते यहाँ पे चिकन भी लेकर जाएगी। इसी के साथ हिमालयन कार्टेल मुझे लगता है ओवरऑल स्टैंडिंग में टॉप में आराम से बहुत ज्यादा पॉइंट के गैप के साथ आएगी। टीम नोवा कोशिश किया यहाँ पे टॉप टू तक लेकर आया अपने टीम को, लेट्स सी ओवरऑल स्टैंडिंग में उसका किस तरह का पोजीशन रहता है। चलो गाइस, इसी के साथ हमारा आज का पूरा मैच समाप्त हो चुका है। तीनों मैच हिमालयन कार्टेल ओपी कर दो भाई, क्या ये खेले 6 के 6 मैचेस, मुझे पूरे के पूरे मैचेस में टॉप 5 दिखे हैं। कोई भी एक ऐसा मैच नहीं छोड़ा जिसमें ये लोग टॉप 5 के बाहर आए होंगे। हर एक मैच को अपना ही बना के रखा हुआ है और ऑलमोस्ट यहाँ पे मुझे लगता है 90 के ऊपर हो सकते हैं शायद से। यहाँ पे पॉइंट्स बना लिया है अपने लिए। स्टार ऑफ द मैच गोइंग ऑल आउट का टैग यहाँ पे लेकर जाते हुए दिखेंगे। गीगा चैट 6 फिनिश अपने लिए निकालते हुए दिखे। लोकी प्लेस बेस्ट कंपेनियन, 5 रेस्क्यू प्रोवाइड किया अपनी टीम के लिए। गीगा चैट यहाँ पे फिनिशर का टैग भी लेकर जाएंगे। 4 असिस्ट भी प्रोवाइड किया गया इनके द्वारा अपने टीम के लिए। ओके गाइस, हमारे मैच खत्म हो चुके हैं, मिलते हैं कल के दिन वापस से ETR स्क्रीन के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, हैप्पी न्यू ईयर सबको, हैप्पी 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 न्यू ईयर भाई। हाँ, 12 दिन हो चुका है भाई, हैप्पी न्यू ईयर गाइस, मजे करो, जो जो पार्टी कर रहे हैं पार्टी करो, मिलेंगे कल के दिन गाइस वापस से स्ट्रीम में। तब तक के लिए बाय बाय, एंजॉय करो भाई, सबके सब एंजॉय करो भाई। लाइक करके जाना गाइस, लाइक कितना लाइक हो चुके, वेट लेट मी चेक। ओके, 18 लाइक हो चुका है, 20 लाइक तो हो ही जाएगा। 20 लाइक करके जाओ भाई, 20 लाइक करके जाना। मिलते हैं रात को वापस से कल। Thank you.